कीर्तनमय तया तरवो भिने दुहु तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि ब्रजे वसंतम नवनीत चरम गोपांगनानां च दुकूलचरम अनेक जन्मार्जित पापचरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वाशह कनक कपिशं वैजयंतीं चमालां रंध्रान बेडोर धर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति अहो वकीयमस्तन कालकूटम जिंघांशया पाय यदपि साध्वी लेभे गतिमधातृचितां तत्त्वन्यम् कमवा दयालु शरणां ब्रजेम कमवा दयालु शरणां ब्रजेम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमतु राक्षसांतकम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री राधे श्याम जाके सेवा भावते मुग्ध हुए श्री राम ऐसे उन बज्रांग को बारम बार प्रणाम श्री राम कथा के रसिकी बर भक्त राज मति धीर आय सुआसन लीजिए पवन पुत्र महावीर प्रेम सुब्र वृंदावन बिहारी लाल की जय मैया सरस्वती की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय अपने अपने माता पिता की जय राधा बल्लभ लाल की जय 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 श्री राधे श्याम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार अजन्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर माखन चोर चित चोर राधा प्राण बल्लभ परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड की नायिका माँ राधे रानी अनंत संत बलवंत श्री राम कथा के रसिक पर श्री हनुमान जी महाराज अवध की पावन भूमि में निवास करने वाले श्री श्री 1008 श्री स्वामी वेंकटेश आचार्य जी महाराज जो हमारे श्री दीक्षा गुरु जी हैं श्री श्री 108 श्री उदयभानाचार्य जी महाराज जो हमारे श्री शिक्षा गुरु जी हैं उनके चरणों का नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आइए सब लोग मिलकर के
अपने मन और वाणी के अंतःकरण की चतुष्टय को पवित्र करने हेतु दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात जय श्री नारायण भगवान की कृपा। श्री मनु नारायण 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 श्री मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 श्री मन नारायण नारायण प्रकट भयो रे मथुरा में हरे प्रकट भयो रे मथुरा में हरि प्रकट भयो रे मथुरा में हरे प्रकट भयो रे गोकुल में पागा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशो नारायण 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 केशो नारायण 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 यमुना के तीरे तीरे धे
सियारामी स्वामी यमुना के तीरे तीरे धेनु चरावे स्वामी बली धारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 किसो सरचो है वृंदावन मेरा सरचो है सहस गोपी का नारायण श्रीमन नारायण 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 शबरी के बेर सुदामा के तंदुल स्वामी 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 रुचि रुचि भोगा लागारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण जल भीतर गजयोर ग्राहलत जल भीतर गजयोर ग्राहलत जल भीतर गजयोर ग्राहलत जल भीतर लणत लणत गजहारा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 किसो नारायण 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 किसो गज की तेरा सुनी रघुनंदन गज की तेरा सुनी रघुनंदन गज की तेरा सुनी रघुनंदन गज के पदारे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण
शुभल भक्त वत्सल भगवान की जय। पावन संहिता अंतर्गत कल के सत्र में चर्चा चल रही थी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पावन बाल लीलाओं की चर्चा। एक दिन की बात है, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बाबा नारद जी ने किया। एकादश्याम निराहारा संभर्च जनार्दनम अस्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नारद बाबा नंद जी शुक्ल पक्ष कार्तिक एकादशी का उपवास करते हैं और जब द्वादशी लगे तो स्नान करने के लिए जमुना नदी के जल के पास पहुंचे। अब बाबा नंद ये जान नहीं पाए कि बेला असुरों की है, रात काफी थी और जैसे ही जमुना के जल में नंद जी घुस करके स्नान करने के लिए डुबकी लगाए, उसी समय वरुण जी का एक सेवक जो असुर है वो नंद जी को पकड़ लिया और लेकर के सीधा वरुण लोक गया। नंद जी को लेकर के जब वरुण लोक पहुंचा और नंद बाबा के खो जाने पर सारे ब्रजवासी जितने ब्रजमंडल के लोग हैं सब रोने लगे और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के बोले, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है। बलराम जी को कृष्ण जी को कहने लगे। इस बात को सुन करके जब सारे ब्रजवासी रोने लगे पीटने लगे और जब इस बात का भगवान श्री कृष्ण को लगा कि हमारे बाबा नंद जी को वरुण लोक का एक सेवक पकड़ करके वरुण लोक लेकर के गया है, तब प्राप्तम वृक्ष हरिकेशम लोकपाला सपरियाहा महत्या पूजित्वाहा तद दर्शनम महोत्सवा। जब लोकपालों वरुण ने बाबानंद को पकड़ करके ले जाकर के वरुण लोक में बिठाया, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ियां रस्सियों से बांध करके बिठा दिया और इस बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि सीधा वरुण लोक गए। और जब भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक पहुंचते हैं तब लोकपाल वरुण जी ने देखा कि जगत के वरिंद्रिय अंतर्दीय के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी पूजा की, भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद हाथ जोड़ करके वरुण जी भगवान श्री कृष्ण के विनती करने लगे, नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने ना यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे चरणों की सेवा का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ ये मेरी बहुत बड़े भाग्य थे। ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण की विनती करने लगे और उसके बाद बोले, हे अंतर्यामी विश्व मोहन भगवान श्री कृष्ण, आपके यहाँ पधारने का कारण क्या है? ऐसे जब कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो जिसे आप लोगों ने बांध करके रखा है मालूम है कौन है? वरुण जी ने कहा, नहीं, मेरा सेवक जमुना में ऐसे टहल रहा था, रात्रि को स्नान कर रहे थे, बस पकड़ के लेके चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो मेरे पिता है। इस बात को सुनते ही वरुण जी दौड़ करके नंद जी के बंधन खोलने लगे और हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पांव पर गिर पड़े, विनती करते हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें और फिर अगर हमसे ये अपराध हुआ भूल हुआ तो मेरी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि मुझे जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ आपकी कृपा ही प्राप्ति की अभिलाषा को लेकर के ऐसा मेरे भाग्य में लिखा था, इसलिए हमारे सेवक ने आपके बाबा को पकड़ करके यहाँ लेकर के आया, ये बड़ी कृपा है आपकी, मुझे जो आपका दर्शन हुआ, ऐसे विनती किए। बाबा नंद को भगवान श्री कृष्ण वहां से छुड़ा करके लेकर के वापस अपने नंद नगरी को आए। इसके बाद की बात, भगवन नापी तारात्रि सरदोत फुल मल्लिका बीक्षरंतुम मनस चक्रे योग माया उपाश्रिता। शरद ऋतु का महीना था, परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि शरद ऋतु का महीना, जिसके कारण बेला और चमेली के पुष्प
खिल करके महमह महक रहे थे। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि बेला और चमेली का फूल जब शरद ऋतु आती है तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, और यहां लिखा गया कि शरद ऋतु का महीना है जिसके कारण बेला चमेली के पुष्प खिल करके महमह महक रहे हैं। अब शरद ऋतु में बेला चमेली का पुष्प जब मुरझा जाता है तो खिल करके महकने कैसे लगा? भगवान श्री कृष्ण के मन में भाव आ गया कि जिन चीर हरण के समय मैंने गोपियों का वस्त्र का हरण किया था उनकी साथ मुझे रासलीला करनी है। ऐसा जब मन में भाव आया तो भगवान श्री कृष्ण योग माया का आश्रय लिया, योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के वैसी ऋतु उपस्थित कर दी कि बेला चमेली के पुष्प खिल करके महमह महकने लगे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को निकाले और बजाने लगे। निसम्य गीतम तदनंग वरधनम ब्रजास्त्रियः कृष्ण गृहीतमांसा आजग्मरन्योन्मलाक्षितोद्यमा सायात्रकान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान अपनी बांसुरी को बजाए तो ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने के लिए उस बांसुरी के सुर में भगवान ने क्लीम शब्द का उच्चारण किया। और क्लीम शब्द वशीकरण, क्लीम शब्द वशीकरण करता है। क्लीम शब्द का जैसे उच्चारण किया तो जिन जिन गोपियों के नाम को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पुकारे और जब उन उन गोपियों के कान में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पहुंची तो जो जिस कार्य में है उसी अवस्था में वहीं उस कार्य को विराम कर दिया। अगर कोई गोपी भोजन बना रही थी तो भोजन बनाना छोड़ दिया, सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ करके चल पड़ी। अगर कोई श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना छोड़ दिया, उल्टा सीधा श्रृंगार किया, वो आकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। अगर कोई अपने पति की चरण की सेवा कर रही थी और उस बांसुरी की धुन को सुनकर के जैसे ही चलने लगे तो पति ने डांटा, कहां जाती हो? तो तन पति के पास है और मन भगवान के पास पहुंच गया, तन पति के पास और मन भगवान के पास। और कुछ गोपियां तो ऐसी थी कि उनका तन और मन दोनों जब भगवान के पास पहुंचना चाहा तो उस समय भगवान लीला बिहारी एक गोपी का रूप बना करके आए और उसकी पत्नी का रूप धारण करके और पति की सेवा करने लगे और वह गोपी भगवान के साथ रासलीला में पहुंच गई, वहां रास मंडल में पहुंच गई। ऐसे भगवान की अनंत लीला। और भगवान श्री कृष्ण जब समस्त गोपियों को अपने पास आया हुआ देखा तो बोल पड़े, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कञ्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभगवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, बतलाओ तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, कहा महाभाग्यवती, संसार में भाग्यवान कौन है? आजकल तो लोग उसी को भाग्यवान मानते हैं कि दो चार लग्जरी गाड़ियां हों, 10-5 लोग राइफल लिए आगे पीछे दौड़ रहे हों तो लोग उसी को भाग्यवान मानते हैं, लेकिन हमारा धर्मग्रंथ उन्हें भाग्यवान नहीं कहता। भाग्यवान संसार में वो है जिसे भगवान पुकारे, जिसे भगवान बुलावे, वो संसार में भगवान, वो भाग्यवान है। जिसके नाम को लेकर के भगवान पुकारे, अपने पास जिसको पुकारे, वो संसार में भाग्यवान माना जाता है। आज गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, भाई देखो, मातरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतियश्च वा, आप लोग करके बेटी को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके, पति को छोड़ करके एक पर पुरुष के वास में रात्रि में ये वृंदा के बीच आई, क्या ये उचित है? तो गोपियों ने कहा, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, और मैंने लौकिक पति को अगर छोड़ा तो परम पति के पास आई, जगत पति के पास आई। वो तो लौकिक पति है, एक दिन तो साथ छूटना ही है, और आप जगत के पति हैं, लौकिक पति को छोड़ करके जगत पति के पास हम आए, इसलिए इसमें हम लोगों ने कोई दोष नहीं किया। ऐसे जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ कुछ विहार करने लगे। अचानक गोपियों के मन में भाव आ गया कि मैं, जरा सा मन में मैं आया कि भगवान मेरे लिए बांसुरी बजाते हैं,
भगवान मेरे लिए यहाँ रास लीला करने के लिए बुलाए, मतलब मन में जैसे मैंपन आया, मेरापन आया, उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दोन समाए, मतलब मैं अगर है तो भगवान आपको मिलने वाले नहीं है, जब तक मैं और तू है तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है, और जिस दिन मैं समाप्त हुआ तू समाप्त हुआ केवल ईश्वर ईश्वर ही रह जाता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। गोपियों के मन में मेरा भाव आ गया कि मेरे लिए बांसुरी बजाते हैं, मुझको बुलाते हैं, उसी समय भगवान गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान जब गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हुए तो सारी गोपियां पहले भगवान को खोजती हैं, भगवान को खोजती हैं, नहीं पाया तब एक लीला करने लगी कि भगवान ने आज तक जितनी लीला की है उन्हीं लीला का अनुकरण करने लगी। एक गोपी कृष्ण बनी तो कोई गोपी अघासुर बन गई, एक गोपी बकासुर बनी तो एक गोपी बदसासुर बन गई, एक गोपी भगवान की लीला के लिए ऐसे ही बकासुर अघासुर बदसासुर अनेक रूप धारण करके भगवान ने जो जो लीला की उन लीलाओं का ऐसे चिंतन करने लगे, और जब उन लीलाओं के बारे में सोचती हैं और लीला करने लगे, उस लीला को प्रत्यक्ष करने लगे, रात फिर भी नहीं बीती, तब गोपियां विकल होकर के भगवान श्री कृष्ण को उस जंगल में खोजने लगी। अब इनका मैं पना गायब हो गया, मैं मेरे लिए सब गायब हुआ, अब तो किसको कहती हैं। कभी कभी गोपियां मालती से पूछती हैं, जूही से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी देवी तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, मैं गायब हो गया, मन से मेरापन गायब हो गया, अब आए क्या तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो जो हमेशा गोविंद के चरणों के पास रहती हो, और किमिते कृतम क्षिति तपो, हे पृथ्वी देवी आपने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि गोविंद भगवान आपके ऊपर चरण रख करके गए, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। मन से मेरापन गायब हो गया जब तू ही तू बचा, कि तुम सौभाग्यशाली तुम सौभाग्यशाली ऐसा कह करके उन जंगलों के बीच भटक भटक करके उसी प्रकार से अपने श्याम को खोजने लगती हैं जैसे राम जी जंगल में भटक भटक करके मैया जानकी को खोज रहे थे कि हे खग मृग हे मधु कर सेनी, हे खग मृग हे मधु कर सेनी, हे खग मृग हे मधु कर सेनी, हे खग वत्सल भगवान की जय। पूछत लता वृक्ष अरुपाती, जैसे राम जी एक एक लता से एक एक वृक्ष से एक एक पत्ती से पूछते हैं क्या आपने मेरी जानकी को देखा, आज वैसे समस्त गोपियां उस वृंदावन के जंगलों में भगवान श्री कृष्ण को, कोई तुलसी से पूछता है, कोई पीपल से पूछता है, कोई पाकर से पूछता है, कोई बरगद से पूछता है, कोई पृथ्वी देवी से पूछता है, और कुछ तो ऐसी हैं जो हरिणियों से पूछती हैं क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा। ऐसे जब पूछने लगे अब प्रेम में इतनी विकल हो गई कि जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा को लेकर के प्रेम में विकल होकर के गोपियां भगवान को पुकारती हैं, बड़ा सुंदर गीत है जिसे भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। गोपियां पुकार उठी, जयति ते धिकम जनमना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वद त्रही दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास
त्वयि धृतास्वस् त्वं विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदरा स्त्री मृषा दृशा। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण जो मेरा ब्रजमंडल है इसकी शोभा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है, केवल आपके कारण। और आप हम लोगों के बीच से अंतर्ध्यान ऐसा कह करके जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा को लेकर के रुरुदु सुस्तुमराजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां भगवान के प्रेम में विकल होकर के रोने लगी, इनके आंखों से जब आंसुओं की धार बहने लगी, ऐसे लगा कि भगवान के प्रेम में अब इनके घट में प्राण नहीं रुकेगा, शरीर छूट ही जाएगी। उसी समय तासाम अविराभू छौरी श्यामान मुखाम्बुजाहा पीताम्बरा स्रगवी साक्षान मनमथ मनमथा, साक्षात मनमथ मनमथा। इतना सुंदर स्वरूप मेरे भगवान का है कि साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाला ऐसे मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर उन गोपिकाओं के बीच आकर के प्रकट हुए। और भगवान जब गोपिकाओं के बीच प्रकट हुए तो उसी समय समस्त गोपियों के साथ मिलकर के भगवान उस स्थान पर रासलीला किए। ये जो भगवान की रासलीला है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होकर के गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला की, और उस रासमंडली में ऐसी भी गोपिकाएं हैं जिनके पति हैं, जिनके बच्चे हैं। अब विचार कीजिए, ऐसा भगवान के मन के ऊपर, मतलब लोग आक्षेप लगाते हैं चरित्र के ऊपर कि भगवान होकर के गोपियों के साथ रासलीला की, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की उस समय भगवान की अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी, और 8 वर्ष के बालक में काम का प्रवेश नहीं है, 8 वर्ष की अवस्था में काम का प्रवेश नहीं है। दूसरी तरफ इस भगवान की रासलीला को देखने के लिए साक्षात भोले बाबा पधारे थे, जो कामत देव को जलाने वाले हों, कामारी साक्षात शिव जहां विराजमान हो वहां काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। प्रेम सुलिंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये जो रासलीला है भगवान की, इसे कभी काम भाव से नहीं देखना चाहिए। भगवान ने उन्हीं गोपियों के साथ में रासलीला की है जिनके वस्त्र का हरण भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जिनके वस्त्र का हरण भगवान ने किया था उन्हीं के साथ भगवान ने रासलीला भी की। इसके बाद जब रासलीला संपन्न हुई तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण बैठे थे कहीं से टहलते हुए, नारद जी आकर के सामने खड़े हुए, बोले सरकार ये रासलीला ही होती रहेगी कि आगे की भी कुछ चरित्र होंगे। भगवान ने कहा बताओ। तो नारद जी ने कहा सरकार धीरे धीरे आपकी अवस्था अब 12 वर्ष को पूर्ण होने वाली है, मात्र 3 दिन और शेष बचे हैं, 3 दिन 12 वर्ष पूर्ण होने में शेष और बचे हैं, इसलिए अब हम आपके हाथों कंस के उद्धार को देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सोच तो मैं भी रहा हूं, लेकिन अगर कोई हमारे पास बुलाने के लिए आवे तब ना, ऐसे कैसे मैं पहुंच जाऊं। तो राजेश जी ने कहा सरकार अगर आप तैयार हैं चलने के लिए तो व्यवस्था में कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। अब बाबा नारद वीणा को उठाए और सीधा कंस के दरबार में आए, और कंस के दरबार में पहुंच करके नारद जी ने कंस को बताया, कंस याथा भगवान नारदो देव दर्शना। नारद जी जब कंस के दरबार में पहुंचे तो बोले महाराज कंस की जय हो, आइए आइए नारद जी। कैसे आए? नारद जी ने कहा एक भेद बताने आया हूं। कौन सा भेद? जिस भेद को जानने के लिए आप 12 वर्ष से प्रयत्नरत हैं और भेद जान नहीं पाए, वो भेद बताऊं क्या है? हाँ हाँ बोलो। तो बोल पड़े यशोदाया सुताम कन्या देवक्याह कृष्णमेव च। आपके हाथ से छूट कर कन्या जो आकाश मंडल में गई वो यशोदा की बेटी थी, यशोदाया सुताम, यशोदा की सुता, यशोदा की बेटी थी। अदेवक्याह कृष्णमेव च, ये जो कृष्ण नाम का बालक में यशोदा के यहां है वो देवकी का 8वां पुत्र है। और रामम च रोहिणी पुत्रम, राम जो रोहिणी का बेटा है ये देवकी और वसुदेव का 7वां पुत्र है जो गर्भ से ही गायब हो गया था। इस सब गड़बड़ वसुदेव और देवकी ने किया।
इस बात को जब कंस से नारद जी ने बताया तो इस बात को सुनकर के कंस एकदम आग बबूला हुआ, बोला दोनों को प्राण दंड दे दूंगा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तब बाबा नारद ने कहा भूल करके भी ये गलती मत करना, अगर दोनों को प्राण दंड दे दिया फिर वो दोनों हाथ नहीं आएंगे, अगर इन दोनों को प्राण दंड दिया तो वो दोनों हाथ नहीं आएंगे जिन्हें मारना चाहते हो। तब बोले कोई दूसरा उपाय करो। इस बात का पता जब कंस को नारद जी के द्वारा लगा तो करता क्या है, ज्ञात्वा लोहमयी पासई बबंध शाह भारिया, वसुदेव जी को और देवकी जी को दोनों जन को पकड़ करके हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़िया डाल करके उठा करके जेल में बंद कर दिया। इसके बाद गृहीत्वा पाणिनाम पाणिन ततोम अक्रूर वाचः, कंस अक्रूर जी के पास गया और उनके हाथ को अपने हाथ से पकड़ करके बोल पड़ा, हे अक्रूर जी आप यहां से निकल करके ब्रजमंडल जाओ, भो भो दानपते मह्यम कृताम मित्र माद्रता, अगर आप मेरे मित्र हैं तो मित्रता को सिद्ध करो, यहां से निकल करके आप ब्रजमंडल बाबा नंद के दरवाजे पर जाओ, एक मेरा ये पत्र है उस पत्र को लेकर के बाबा नंद के पास जाना, और वहां जो वसुदेव जी के दोनों पुत्र निवास करते हैं गक्ष नद ब्रजम तत्र सुताव आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभे भी वसुदेव जी के जो दोनों पुत्र बाबा नंद के घर में निवास करते हैं उन्हें लिवा के लेके आओ, और ये पत्र नंद जी को दे देना, उनसे कह देना कि मेरे घर एक धनुष यज्ञ का आयोजन है और उसमें सम्मिलित होने के लिए कंसराज ने आपको बुलाया है, और अगर नहीं आओगे तो दोनों बालकों के साथ आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये पत्र लिख करके अक्रूर जी के हाथ में दे दिया। अक्रूर जी एक रात्रि विश्राम किए मथुरा नगरी में, दूसरे दिन सुबह उठे, और जब अक्रूर जी दूसरे दिन सुबह उठे और उसके बाद चले तो जमुना जी तक तो बड़े प्रेम के साथ रथ के सहारे आए, और जैसे ही जमुना को पार करके गोकुल प्रक्षेत्र में अक्रूर जी का रथ प्रवेश किया तो इनके मन में भाव आ गया, द्रक्ष्यामि नूनं शुकपोलनाशिकं शिमितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः, मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूंगा, मरकतमणि के समान स्निग्ध कांति मान उनके कोमल कपोल, तोटे के ठोर के समान उनकी नुकीली नासिका, अवश्य उनके मुखारविंद का दर्शन होगा, क्योंकि जब मैं चलता हूं तो नाना प्रकार का शकुन हो रहा है। शकुन क्या, गाय बाएं है तो दाएं खड़ी हो जाए, हिरण बाएं है तो दाएं खड़ा हो जाए, नकुल बाएं है तो दाएं खड़ा हो जाए, ये नाना प्रकार के शुभ शकुन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार से यही विध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करी मज्जन जमुना जल चले नंद के द्वारा। जमुना जी के किनारे पहुंचे, जमुना जल के मंजन किया और जब बाबा नंद के दरवाजे की तरफ चले तो देख रहे हैं शाम का समय है और भगवान श्री कृष्ण मतलब उसी ब्रजमंडल में गायों को चरा करके ऐसे निकले हैं, और भगवान के पद चिन्ह जब उन्हें ब्रजरज में दिखाई पड़े कि पदानितस्या खिल लोकपाला किरीट जुसुटा मलपाद रेणु ददर्श गोष्ठे चिति कौतुकाने बिलाक्षितान्या जवांकुश आदि, भगवान के पदचिन्ह जो अंकुश आदि जब ब्रजरज में अक्रूर जी को दिखाई पड़े तो अक्रूर जी रथ से कूद पड़े, और जहां ब्रजरज में भगवान के पद जितनाई दिखा पड़ते हैं ऐसे रज को उठावें और मस्तक पर रख लें, दो कदम आगे बढ़े जैसे भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़े फिर रज को उठावें और मस्तक पर रख लें, और जब बार बार वो पद चिन्ह दिखाई पड़ने लगे तो तद दर्शन आह्लाद, भगवान के पद चिन्हों को देख करके इतना हृदय आह्लादित हो गया कि अक्रूर जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उसी ब्रजरज में लौटने लगे, क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम
जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बन गया दिवालय बदन, बन गया दिवालय बदन, आत्मा महंत हो गया। बन गया दिवालय बदन, आत्मा महंत हो गया। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। बन गया दिवालय बदन, आत्मा महंत हो गया। ब्रज रज में अक्रूर जी लौटने लगे और लौटते लौटते चले तो आज भी उस ब्रज रज की इतनी अपार महिमा है कि अगर कभी भी अवसर मिले मथुरा मंडल जाने का तो मथुरा जी के पास जमुना को पार करके एक स्थान है गोकुल, और गोकुल से ऐसे घूम करके जब आप बलदाव जी के मंदिर को जाइए तो रास्ते में गोकुल से एक 1.5 किलोमीटर आगे चलने पर एक स्थान है जिसे कहते रमण रेती। बड़ा दिव्य स्थान है रमण रेती में। आज भी अगर कोई जाता है तो बिना लौटे वहां से वापस नहीं आता। उस ब्रज रज में बिना लौटे कोई वापस आज तक आया नहीं। चाहे जितने सुंदर वस्त्र हो, चाहे जितने आभूषण शरीर पर हो, जैसे ही उस ब्रज रज में पहुंचते हैं तो वहां की महिमा ही ऐसी है कि अपनी आप इच्छा होती है कि इस रज में लौट जाऊं। हजारों की संख्या में लोग आपको लौटते मिलेंगे और वहां पहुंचिए तो जरूर लौटना पड़ता, ना चाहते हुए भी ये वस्त्र की सुधि ही नहीं रहती उस रज में एकदम बिल्कुल लौट करके एकदम धूल धूरी। इतनी सुंदर महिमा है उस रज की कि ब्रज रज में लौटिए और लौटने के बाद खड़े होकर के एक बार ऐसे गिर दीजिए वस्त्र वैसे का वैसा। कितनी सुंदर महिमा है उस रज की। आज भी लोग उस ब्रज रज में लौटते हैं। लोगों से हमें भी सुनता था कि रमण रीति जाने पर लोग ब्रज रज में लौटते हैं, तो यही मैं भी सोचता था उस महिमा की कितनी सुंदर, उस ब्रज रज की कितनी अपार महिमा है कि जहां जाने के बाद लोग स्वयं ब्रज रज में लौटने लगते हैं। और मैं भी एक बार ऐसे उर्मिला भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से गया तो रहा नहीं गया, लौटना ही पड़ा परम वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि वो मेरे भगवान श्री कृष्ण के पद धूली है, पद रज की धूली है। और अगर वो रज मस्तक पर चढ़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। उसी रज में लौटते लौटते विचार कीजिए, मथुरा से गोकुल की दूरी ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर है और नंदगांव ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर होगा। अब उस समय भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बाबा नंदगांव में ही रहते थे, लेकिन विचार करें कि सुबह के निकले हैं अक्रूर जी और जब नंदगांव पहुंचते हैं तो उस समय शाम की बेला है, वो भी रथ से जा रहे हैं। विचार करें पैदल कोई जाए 20 किलोमीटर तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे में पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और अक्रूर जी रथ से गए और सुबह के निकले शाम को पहुंचे, क्योंकि रथ तो बीच में ही छूट गया। ब्रज रज में लौटते हुए बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंचे प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब वहां पर पहुंचे तो देख रहे हैं ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतो। शाम का समय है, गोदोहन का समय है और भगवान श्री कृष्ण मैया सोदा के साथ बलराम भैया को लेकर के गायों से दूध निकलवा रहे थे। और जैसे ही देखा एकदम इनका हृदय विलक्षण आनंद से भर जाता है। नंद जी ने देखा कि भैया अक्रूर आए हैं तो आगे बढ़कर के स्वागत किया। दो सेवक आए पांव पखारे, जलपान की व्यवस्था हुई, भोजन भी हो गया। जब अक्रूर जी भोजन करके सुखपूर्वक पर्यंक पर लेट गए, सुखोपविष्टा पर्यंके राम कृष्णोर मानिता। जब सुखपूर्वक ये पर्यंक पर लेट गए तो राम कृष्णो बलराम और कृष्ण दोनों भाई आए और एक पैर भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का पकड़ा और एक पैर बलराम जी ने पकड़ा। और वैसे ही चरण सेवा करना चाहे, जैसे राम जी जनकपुर में अपने गुरु विश्वामित्र की चरण सेवा करते हैं कि मुनिवर साया ने कीन्ह जब जाई, मुनिवर साया ने कीन्ह जब जाई, मुनिवर साया ने कीन्ह जब जाई, मुनिवर साया ने कीन्ह जब जाई।
भई लगिया चरण चापन दू भाई लगे चलन चापन दू भाई लगे चलन चापन दू भाई प्रेम सुवृंदावन बिहारी लाल के जय दोनों भाई जहां पर्यंग पर अक्रूर जी लेटे हैं जब पहुंचे और जैसे ही पर्यंग पर एक तरफ कृष्ण जी दूसरी तरफ बलराम जी बैठे तुरंत अक्रूर जी उठ करके बैठ गए। अब बस भगवान के दर्शन को प्राप्त करके इनका सारा मनोरथ आज पूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तात सौम्य गतः कुचित स्वागतम भद्रमस्तुवा। चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूं। बताइए मथुरा नगरी में हमारे सुहृद जन कैसे हैं, मेरी मैया देवकी और बाबा बसुदेव कैसे हैं। इस बात को जब सुना तो अक्रूर जी के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। सरकार इतने बड़े हो गए आप, आज भी देवकी जब आपकी शुद्ध करती हैं तो उनकी दृष्टि में वही छोटी सी मूर्ति है आपकी, जो टोकरी में बिठा करके भेजा था वही छोटी सी मूर्ति आज भी याद आती है तो रोती है, आंखों से आंसू बहते हैं और यही चिंतन करती है कि पंछी होती मैं उड़ जाती जाती नंद के द्वार, पंछी होती मैं उड़ जाती जाती नंद के द्वार, उमड़ी घुमड़ी मोरा जिया घबराए बहे दूध की धार, लाल मोरे रोवत हुई है सोवत हुई है, लाल मोरे रोवत हुई है भूखा सोवत हुई है, लाल मोरे रोवत हुई है कि भूखा सोवत हुई है, लाल मोरे रोवत हुई है भूखा सोवत हुई। प्रेम सुवृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण को देख करके अक्रूर जी ने कहा नाथ जैसे ही कंस को इस बात का पता चला कि आप दोनों ही देवकी के सातवें और आठवें पुत्र हैं उन्हें उठा करके फिर से जेल में डाल दिया। इस बात को सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे कारण मेरे माता पिता के हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा, अब मैं एक क्षण नहीं रुकूंगा, अब आपके साथ चलूंगा। अक्रूर जी ने कहा उसी के निमित्त तो आया हूं, ये कंस की राजाज्ञा है। पत्र दे दिया भगवान के हाथ में, कंस ने राजाज्ञा पारित की है कि अगर नंद जी कल सुबह आप दोनों को लेकर के मथुरा नगरी नहीं पहुंचे तो आपके साथ साथ नंद जी को भी प्राण दंड देगा कंस। अब भगवान श्री कृष्ण पत्र पढ़े और ले जाकर के बाबा नंद जी को दे दिया। नंद जी ने जब उस पत्र को पढ़ा, अब राजाज्ञा है टाल तो सकते नहीं थे, इसलिए दो चार गोपों को बुलाए, बोले भैया अब तो मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, आप लोग इस गोकुल की रक्षा करना। और अक्रूर जी से बोले भैया मैं तो बैलगाड़ी से चलूंगा, आप रथ से आए हैं इसलिए कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को रथ पर बिठा करके सुबह लेकर के आना और मैं रात में ही चलता हूँ, क्योंकि राजाज्ञा है। नंद जी टाल नहीं सकते थे इसलिए रात्रि में ही कंस को कुछ उपहार भेंट की सामग्री बैलगाड़ी पर रखवाए और दो चार बच्चे और साथ में चल पड़े, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, ऐसे सबको साथ में लिया और नंद जी बैलगाड़ी को लेकर के रात में ही मथुरा के लिए चल पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाचा जी अगर सुबह हो गई सूर्य भगवान निकल आए फिर तो नंदगांव यहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भोर के 3 बजे ही निकल चलते हैं। अक्रूर जी 3 बजे ही रथ को तैयार करके खड़ा किया, दोनों भाई रथ पर बैठे और जैसे ही दरवाजा खुला तो बाहर देख रहे हैं। रात में ही ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि एक परदेशी बाबू मथुरा नगरी से आए हैं जो हमारे प्राण धन को लेकर के चले जाएंगे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का रथ दरवाजे से बाहर आया तो देख रहे हैं दरवाजे पर भीड़ लगी है, समस्त गोपियां उगाए उबछड़े पंक्षियां मोर जितने जीव जंतु सब आकर के जो भगवान से स्नेह करते सब आकर के सामने खड़े हो गए।
और इतना ही नहीं, एवं ब्रुवाणा विरहा तुराभृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज लज्जाम रुरुदु सस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जितनी गोपियां हैं, पिता खड़ा है, भाई खड़ा है, माँ खड़ी है, बहन खड़ी, बेटी, किसी का कोई भान नहीं, बस भगवान श्री कृष्ण के निमित्त एकदम सबकी आंखों से अश्रु की धार प्रवाहित है। दामोदर गोविंद भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए रो रही हैं। अश्रु यही कहती हैं कि सहारे पर हमें मोहन तो किसके छोड़ जाते हो, सहारे पर हमें मोहन तो किसके छोड़ जाते हो, सहारे पर हमें मोहन तो किसके छोड़ जाते हो, सहारे पर हमें मोहन तो किसके छोड़ जाते हो। मेरी मझधार में नैया कन्हैया बूर जाते हो, मेरी मझधार में नैया कन्हैया बूर जाते हो, मेरी मझधार में नैया कन्हैया बूर जाते हो, मेरी मझधार में नैया कन्हैया बूर जाते हो। बिठा कर ऊंच सिंहासन बढ़ाया मान तन मन धन, बिठा कर ऊंच सिंहासन बढ़ाया मान तन मन धन, लगा कर प्रेम का रिश्ता उसे क्यों तोड़ जाते हो, लगा कर प्रेम का रिश्ता उसे क्यों तोड़ जाते हो, सहारे पर हमें मोहन तो किसके छोड़ जाते हो, सहारे पर हमें मोहन तो किसके छोड़ जाते हो। प्रेम सुवृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा नंद जी गोपों के साथ चल पड़े और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी को रथ पर बिठाया। सारे ब्रजवासी ऐसे आंखों में आंसू बह रहे हैं, और जब चलने के लिए तैयार हुए सबको रोता हुआ देखा तो भगवान ने दिलासा दी, आज जाता हूं, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि जिन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सौंदर्य को देख करके हम लोगों का जीवन सार्थक हुआ, उस सौंदर्य को भला मथुरा के वासी देखने से कैसे वंचित रहे, फिर एक ही दिन की तो बात है, हम लोग कैसे तैसे बिता लेंगे। भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बिठाए, अक्रूर जी लेकर के चले, सारे ब्रजवासी ऐसे देखते रहे। और इतनी तीव्र गति से भगवान का रथ चला कि घोड़ों की टाप से जो धूल निकली जब उसमें रथ ओझल हो गया, फिर भी उसी रास्ते को सब खड़े खड़े देखते रहे। भगवान का रथ चल करके जमुना नदी के पावन तट पर पहुंचा, और इधर अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर कंस ने इन दोनों बच्चों को मार दिया तो ये बाल हत्या का पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैं लेने के लिए आया हूं, ये बाल हत्या का पाप मुझे लगेगा, मैं लेने के लिए आया हूं। भगवान श्री कृष्ण सबको मन की बात को जानने वाले, जान गए चाचा जी के हृदय में क्या चल रहा है। तो बोले चाचा सुबह हो गई है, एक काम करो स्नान कर लो, जमुना जी सामने हैं। तो अक्रूर जी भगवान श्री को उसको तव रथस्तो कथमी ही सुताव आनक दुंदवे, तो दोनों भाइयों को रथ के ऊपर छोड़ा और स्नान करने के लिए जमुना के जल में अक्रूर जी प्रवेश किए। अक्रूर जी जब जमुना के जल में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा, जल के भीतर बड़ा अद्भुत दृश्य है, सहस्र शीर्षम देवम सहस्र फण मौलिनम, सहस्र फण है जिनके, ऐसे शेष जी की एक सैया लगी हुई है, और उस सैया के ऊपर तस्यूत संगे घनश्यामम पीत कौशेष वाष्यम, पीत कौशेष पीतंबर को धारण किए हुए उस शेष रूपी सैया पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जब इस दृश्य को देखा
तो अक्रूर जी सोचने लगे कि दोनों को रथ पर छोड़ करके आया था, जल में क्या कर रहे हैं। सिर को ऊपर किया तो दोनों भाई रथ के ऊपर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और फिर डुबकी लगाई तो दोनों भाई जल के अंदर, और सिर को ऊपर करें तो दोनों भाई रथ के ऊपर। जब बार बार यह दृश्य दिखाई पड़ा तो मन की सारी शंका समाप्त हुई, वहीं से दंडवत करते हुए आए और हाथ जोड़ करके बोल पड़े, न तोस्मि अहम् त्वा खिल हे तुहे तुम नारायणम पुरुषम माध्यम अभ्यम यन्याभिजाता दरबिंद कोशात ब्रह्मा विरासीत यतये श्लोका। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। आपके रहस्य को वही जान सकता है जिसे आप जना दें, बकाया आपके रहस्य को कोई जान नहीं सकता। विनती करके बोल पड़े कि तुम्हारी कीरा पा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारे पा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कीरा पा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारे पा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगति भगत पुर चंदन, जान ही भगत भगत पुर चंदन, जान ही भगत भगत पुर चंदन। प्रेम सुवृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए, रथ पर बैठे और रथ को लेकर के मथुरा में आकर के खड़ा किया। अब दोनों भाई जहां नंद जी रुके हुए हैं वहीं पहुंच गए। अक्रूर जी ने कहा, सरकार मेरे भी घर को पावन कीजिए। बोले, फिर कभी, आज तो जाने दो। इसके बाद नंद जी के पास आए, और जब नंद जी के पास आए तब भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही आश्रय लिया जैसे राम जी लक्ष्मण का आश्रय लेकर के विश्वामित्र जी से कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहें। गुरुदेव, ये लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा। तो आज उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, बाबा ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ आए हैं, इस मथुरा नगर देखना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो सबको मथुरा नगरी दिखा के लेके आऊं। नंद जी ने कहा, लाला ये अपनी गोकुल नगरी नहीं है, ये मथुरा नगरी है कंस के। जाओगे चंचलता करोगे, कुछ गड़बड़ हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बलराम जी ने कहा, बाबा चिंता मत करो, मैं साथ में हूं तो फिर डरते काहे को हो। तब नंद जी ने कहा, अगर बलराम जी साथ में हैं तो जाओ, लेकिन एक काम करना, जल्दी जाना और नगर भ्रमण करके सबको दिखा करके जल्दी वापस लौट करके आना। अब दोनों भाई बालकों को लेकर के निकल पड़े, और जैसे ही मथुरा वासियों को इस बात का पता चला कि राम जी की तरह कि देखन नगर भूपशु तो आए, देखन नगर भूपसुत आए, देखन नगर भूपसुत आए, समाचार पूरवासी हो पाए, समाचार पूरवासी न पाए, समाचार पूर्वाशिन पाए। सुबलो राधा वल्लभ लाल की जय। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो। दोनों भाई जब मथुरा के राजपथ पर निकले, और जैसे ही लोगों को पता चला तो भगवान को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कोई कहता है कि भाई ये देवकी जी के सातवें आठवें पुत्र हैं, कोई कहता है कि वसुदेव नंदन हैं, कोई कहता है कि पूतना के मारने वालों हैं, ऐसी चर्चा होने लगी। और जब भगवान चले तो आज उनके सुंदर सौंदर्य को देखने के लिए प्रसाद शिखरारूढ़ाहा प्रीत्य फुल्ल मुखाम्बुजाहा। मथुरा की युवतियां, वहां की बालिकाएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती,
अब भगवान को देखें कैसे, तो कोई खिड़की पर जाकर के खड़ा हुआ, कोई छत के ऊपर प्रसाद शिखरा उड़ा छत के ऊपर पहुंच गया, अट्टालिकाओं पर चढ़ करके वहां से भगवान का दर्शन करते हैं। चारों तरफ जय जयकार मची है। सखी गली गली घूमे ले ब्रिजे के किशोर, चारों तरफ भगवान को देखने के लिए होड़ लगी है। सखी गली गली घूमे ले ब्रिजे के किशोर, इनका देख खातिर मथुरा में मा चल बाटे शोर, इनका देख खातिर मथुरा में मा चल बाटे शोर, इनका देख खातिर मथुरा में मा चल बाटे शोर, इनका देख खातिर मथुरा में मा चल बाटे शोर, जे ही देखे वही होके इनके प्रेम माती भोर, जे ही देखे होके इनका प्रेम माती भोर, जैसे करिया बदरिया देखना चैला गए मोर, जैसे करिया बदरिया देखना चैला गए मोर। शुभ भक्त वत्सल भगवान की जय। चारों तरफ आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए लोगों में होड़ लगी है। लोग दौड़ दौड़ करके कोई खिड़की पर, कोई छत के ऊपर, कोई गलियों में खड़ा होकर के भगवान का दर्शन करने लगा। अब जब छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण के साथ चल रहे हैं, उन लोगों की दृष्टि जब पड़ी तो उन लोगों ने, बच्चों ने पूछा, भैया हम कहां आए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा के घर। अच्छा, जब मामा के घर हम लोग आए तो आपको पहले बताना चाहिए था कि मामा के घर चल रहे हैं। अब नहीं तो बताओ, ये गांव वाला कपड़ा पहन करके आए हैं, अब रिश्तेदारी में आए हैं, गांव वाला कपड़ा पहन करके अच्छा थोड़े नहीं लगता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई अब तो आ गए, अब वस्त्र की व्यवस्था कैसे हो, वस्त्र की व्यवस्था कैसे हो? प्रेम सुवृंदावन बिहारी लाल के बहनी वही नीचे रख दिया, अब भगवान का मुकुट गिरा देवो, भगवानों को उल्टी देवो, इतना प्रेम भगवान सुना कर चाहे कि उनके श्रृंगार बिगड़ जाए। जैसे दोनों भाइयों को आता हुआ देखा, तुरंत घर के अंदर गया, हाथ में माला लेकर के आया, पहले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के गले में माला अर्पण की, फिर बलराम जी को पहनाया, बच्चों को पहनाया, हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हुआ, भगवान ने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ गए। तब तक मनसुखा फिर बोला, भैया माला भी मिल गई, वस्त्र भी मिल गया, लेकिन मस्तक खाली है, अगर चंदन मिल जाता, यही है कैसे कैसे भलासा बढ़ती है, चंदन लग जाता तो बढ़िया। तब तक भगवान के कान में एक बड़ी मधुर धुन सुनाई पड़ी, मथुरा के राजपथ पर अथ ब्रजन राजपथेन माधवाः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम्। जो मथुरा का राजपथ है उस राजपथ पर एक युवती जो तीन चार जगह से टेढ़ी है, हाथ में सोटी है और दूसरे हाथ में चंदन की कटोरी, चंदन की कटोरी हाथ में सोटी लिए बड़ा सुंदर गीत गाती हुई आ रही थी कि ढूंढन से खोजन से श्याम मिलत नाही, मोहि श्याम नाम बिसरत नाही, ढूंढन से खोजन से श्याम मिलत नाही, मोहि श्याम नाम बिसरत नाही, ढूंढन से खोजन से श्याम मिलत नाही, मोहि श्याम नाम बिसरत नाही, ढूंढन से खोजन से श्याम मिलत नाही, मोहि श्याम नाम बिसरत नाही। एक नारी कुबरी पुकार रही, 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 प्रभु आपकी आस निहार रही, प्रभु आपके आस निहार रही, अखियन से नैनन से नीर रुकत नाही, मोहि श्याम नाम बिसरत
संत नाही मखियन से नैनन से रे भगवत नाही मोहे श्याम नाम बिसरत नाही अखियन से नैनन से नीर रुकत नाही मोहे श्याम नाम बिसरत नाही अखियन से नैनन से प्रेम शिवल भक्त वत्सल भगवान की। जब ये मधुर संगीत भगवान श्री कृष्ण के कर्णपुटों में पड़े तो भगवान उधर ही घूम गए और जब वहां पहुंचे तो उस कुब्जा को जब देखा तो भगवान उसका बखान करने लगे। बोले गजगामनी पिक बैनी मृग नैनी, तो बड़े जोर से सोटी पटकी। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने मुझको सिरजा है और तीन जगह से टेढ़ी हूं, नाम इसी से कुब्जा है और तुमको गजगामनी पिकबैनी मृग नहीं लगती हूं। तो भगवान ने कहा भाई जो दिखाई पड़ रहा है वही तो कहूंगा, तब तक पीछे से बच्चे ताली बजाए। बोले गोविंद जोड़ा बड़ा सुंदर रहेगा क्योंकि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है आप इनको कहीं भी देखिए, इनकी जो श्री विग्रह आपको फोटो चित्र दिखाई पड़ेगा कहीं भी देखिए तो सीधे आपको नहीं मिलेंगे, टेढ़े ही मिलेंगे। कहीं सिर टेढ़ा है तो कहीं पैर टेढ़ा है, कहीं हाथ टेढ़ा है, टेढ़े ही भगवान कृष्ण आपको सीधा कहीं नहीं मिलेंगे। तो बच्चों ने कहा कि मेरा गोविंद भी तीन जगह से टेढ़ा है, सामने वाले भी तीन जगह से टेढ़ी है, जोड़ा बड़ा सुंदर लगेगा। बात भगवान को लग गई, आगे बढ़े, उसके पैर को अपने पैर से दबाया और चिबुक पर हाथ लगा करके भगवान ने खींच दिया, सर्वांग सुंदरी हो गई, अंग प्रत्यंग सब एकदम सब सुंदर हो गए। तुरंत चंदन की कटोरी उठाई, सबके मस्तक पर चंदन लगाया और भगवान से विनती करते हैं नाथ एक दिन के लिए आप मेरी कुटिया में पधारो। भगवान ने वादा किया, आगे बढ़ गए। अब भगवान जब मस्तक पर तिलक भी मिल गया, गले में माला और वस्त्र भी मिला तो लोगों से पूछते हुए राम जी की तरह ततः पौराण प्रक्षमानो धनुष स्थान अच्युता। मथुरा वासियों से जिस धनुष के लिए कंस ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया है उस स्थान का पता पूछते ही भगवान आगे बढ़े। उसी प्रकार जैसे राम जी कि पूरब दिस गए तो भाई, पूरा पूरब दिस गए तो भाई, पूरा पूरब दिस गए तो भाई, पूरा पूरब दिस गए तो भाई, जहां धनु माखा हित भूमि बनाई, जहां धनु माखा हित भूमि बनाई, जहां धनु माखा हित भूमि बनाई। सुबल भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जी की तरह ततः पौराण प्रक्षमानो धनुष स्थान अच्युतः। गांव के मथुरा वासियों से पूछते पूछते भगवान जहां धनुष रखी है दोनों भाई पहुंच गए बच्चों के साथ। जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो बलराम जी से बोले भैया बड़ी सुंदर धनुष है देखूं, उठा करके देखूं। तो पहरेदार हंसने लगे, जो उस धनुष के रक्षक हैं हंसने लगे। बड़े बड़े वीर आए धनुष को हिला तक नहीं पाए, ये छोटे छोटे बच्चे आए धनुष उठाने। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो कन्हैया, मैं खड़ा हूं जाओ। निशंक भगवान श्री कृष्ण उस धनुष यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए और पहुंचते ही भगवान करते क्या है करेण बामेन, बाएं हाथ से धनुष उठाया और सलिल मुद्रितम, बाएं हाथ से धनुष उठाए और दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे डोरी को खींचा राम जी की तरह कि ले तो चढ़ा वत खई चतुगाड़े, सब ठाड़े का हो नला खा रहे
वल्लभ लाल की जय। भगवान बाएं हाथ से धनुष उठाए, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाई और डोरी को खींचा। भगवान ने जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो धनुषो भज्यमान से सबदा खम रोदसी दिशा, इतना भयानक शब्द हुआ कि पूरा आकाश गुंजायमान उठा। और जैसे ही क्षण भर में भगवान ने देखते देखते धनुष को टूट टुकड़े करके ऐसे फेंक दिया, तब तक पहरेदार दौड़े भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। जब पहरेदार दौड़े तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया एक टुकड़ा मुझे दो। अब धनुष का एक टुकड़ा बलराम जी की तरफ भगवान श्री कृष्ण ने फेंक दिया, एक टुकड़ा बलराम जी के हाथ में, एक टुकड़ा गोविंद के हाथ में। और दोनों भाई उसी धनुष के टूटे हुए टुकड़े के द्वारा समस्त जितने उसके पहरेदार हैं, धनुष के रक्षक, सबको मार करके भगा दिया। सारे रक्षक जाकर के कंस को सूचना दिए, महाराज धनुष टूट गई। तो कंस जान गया कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यह धनुष परशुराम ने कंस को दिया था। अब बोले थे कि जिस दिन यह धनुष टूटेगी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी दिन वो तुम्हारा संहार करेगा। तो पूछता है, छोटे वाले ने तोड़ा कि बड़े वाले ने? तो पहरेदारों ने कहा कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। सब देखते रह गए, पता ही नहीं चला एक क्षण में कैसे टूट गई, कुछ पता ही नहीं चला। अब भगवान श्री कृष्ण जब धनुष टूट गई और इधर कंस को जब पता चला तो बोला, एक काम करो, जहां मैं बैठा हूं इस राजसभा में रंगस्थल पर, सामने जो दरवाजा है वहां कुबिलिया पीठ हाथी खड़ी कर दो। आदेश दे दो महावतों को कि जैसे ही दोनों आए हाथी को आगे बढ़ा करके दोनों को मरवा दे। अब हाथी के मदरा में मदोन्मत करके पीलवान लोग लेकर के खड़े हैं। और जैसे दोनों भाई वहां पर पहुंचे और कुबलिया पीठ हाथी ने जब भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी के साथ आता हुआ देखा तो आगे बढ़ा, तो महावत लोग खुश हो गए। पहले दौड़ करके बलराम जी को पकड़ा तो और खुश हुए कि अभी मार देगा, लेकिन हाथी चारों पैरों को फैला करके बलराम जी को फेंस दिया रंगशाले में। बलराम जी रंगशाले में पहुंच गए पीछे हाथी के, और आगे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अब महावत लोग हाथी को भाला फर्ची लेकर के मारने लगे। अब हाथी चिघार उठा, मन ही मन सोच रहा है, इन राक्षसों के हाथ से मरने से अच्छा है कि अगर गोविंद मुझे अपने हाथों से उद्धार कर दे। आंखों से आंसू बहाने लगा। जो भी बंधनवार पताका वहां दरवाजे पर लगा है, रंगशाले के प्रवेश द्वार पर, सब तोड़ लिया फूलमाला और भगवान के चरणों में अर्पण करके मन ही मन सोच रहा है, प्रभु तारो न तारो त्वहार अमर जी हरि, तारो न तारो त्वहार अमर जी हरि, तारो न तारो त्वहार अमर जी हरि, तारो न तारो त्वहार अमर रे। सब पापिन में नाम बड़ो है, सब पापिन में नाम बड़ो है, सब पापिन में नाम बड़ो है, सब पापिन में नाम बड़ो है। अपने तरन की लगाई अरजी, प्रभु तारो न तारो त्वहार अमर जी हरि, तारो न तारो त्वहार अमर जी हरि, तारो न तारो। प्रेम सुबलो राधा वल्लभ लाल की जय। जब हाथी मन ही मन सोच करके आंखों से आंसू बहाने लगा कि इनके हाथ से मरने से अच्छा है सरकार आप ही उद्धार कर दो, उसकी विनती को सुनकर के पूंछ को पकड़ा बलराम ने, सूंड को पकड़ा घनश्याम ने, क्योंकि बलराम जी पीछे और भगवान द्वारकाधीश आगे खड़े हैं। तो पूंछ को पकड़ा बलराम ने, सूंड को पकड़ा घनश्याम ने, उठा करके जमीन पर दे मारा, प्राण पखेरु निकल गए, प्राण ज्योति भगवान के चरणों में सन्नित तो हुई। दोनों भाई एक एक हस्तिदंत तोड़ लिए, हस्तिदंत उखाड़ करके कंधे पर रखा और सीधा रंगशाले में जाकर के भगवान खड़े हुए। अब भगवान जब रंगशाले में पहुंचे तो उस समय जितने लोग बैठे हैं, जिसके मन का जैसा भाव है वैसे भगवान को दिख रहा है। मल्ला नाम ससुरनिणाम नरवरा स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो सताम क्षिति भुजाम शास्ता स्वपेत्रो शिशु। अगर कोई अपने आप को पहलवान मान रहा है तो भगवान वज्र के समान कठोर दिखाई पड़ते हैं। कोई अगर ऐसे साधारण मनुष्य है तो उसे नर रत्न दिखाई पड़ते हैं, स्त्रियों को मूर्तिमान भगवान कामदेव दिखाई पड़े,
गोपों को अदुष्ट राजाओं को दंड देने वाले। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा है, मन में भाव है, सुंदर बालक है, ऐसा मेरा बेटा, तो भगवान उसे पुत्र रूप में दिखाई पड़ते हैं। जिसके मन का जैसा भाव वैसे भगवान को दिख रहा है कि जाकी रही यह भावना वत्सल भगवान की जय। जिसके मन का जैसा भाव है वैसे भगवान को देख रहा है। इतने में सल तोसल चाणूर मुष्टिक कोट वज्र आदि पहलवान आगे बढ़े। दोनों भाई आगे बढ़े, दोनों भाइयों ने मिलकर के इन पहलवानों का काम तमाम किया। इसके बाद भगवान सीधा जहां कंस बैठा है उसके राज सिंहासन के सामने खड़े हुए। अब भगवान जब राज सिंहासन के सामने उसके खड़े हुए तब यह अपने सिंहासन पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के तम खंग पाणिन विचरण तमाशु कृपाण हाथ में निकाल करके बिना पैतरे के कृपाण घुमाने लगा। और भगवान सबसे बड़े पैतरेबाज कूद करके उसके सिंहासन पर पहुंचे। प्रगरी ही कैसे सुबाल को पकड़ा और झटका दिया, तुरंत मुकुट जमीन पर गिर गया। भगवान ने बाल क्यों पकड़ा? क्योंकि मैया देवकी को विदा करते समय रथ से बाल को पकड़ करके ही कंस ने खींचा था। और आज भगवान श्री कृष्ण प्रगरी के से सुदौड़ करके बाल को पकड़े और जैसे झटका दिया पहले उसका मुकुट गिर गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसी रंगमंच पर कंस को गोदी में उठा लिए और उसके बाद उठा करके जमीन पर पटका। निपात रंगो मरि तुंग मंचा रंगो परि रंग मंच के ऊपर ही भगवान इसे गोदी में उठाए और जमीन पर उठा करके पटक दिया। और कंस जब आसन से नीचे गिरा तो तस्यो परिष्टात स्वयं अब्जनाभा आसन के ऊपर से भगवान स्वयं जब कंस के ऊपर कूदे तो भगवान के कूदने का वेग इतना उग्र था कि कंस बर्दाश्त नहीं कर पाया। भगवान के कूदने मात्र से ही उसके प्राण पखेरु निकले और प्राण ज्योति भगवान के चरणों में सन्निहित हो गई। कंस का उद्धार हुआ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कंस का उद्धार हुआ इस दृश्य को कंस से छोटे 8 भाइयों ने देखा। कंस 9 भाई थे, कंस से उसके छोटे 8 भाई और थे जिनका नाम कंक न्यागरोध आदि था। तस्यानुजा भ्रातर अष्टौ कंक न्यागरोध कादिया है। 8 छोटे भाई हैं, कंक न्यागरोध उनका नाम है। ये सब दौड़ करके आए और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़े। तो अगर उन्हें अपना भाई प्यारा है तो ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी खड़े, उन्हें भी अपना भाई प्यारा है। तो आठों और कृष्ण के बीच में बलराम जी खड़े हो गए और उन 8 को अकेले बलराम जी ने वैसे ही मार करके फेंक दिया जैसे जंगल में रहने वाला कोई सिंह छोटे छोटे पशुओं को मार करके फेंक देता है। 8 को बलराम जी ने मारा और कंस को भगवान श्री कृष्ण ने। आकाश मंडल में बड़े बड़े देवता खड़े हैं, दुंदुभी बजने लगे, भगवान के ऊपर पुष्पों की बारिश होने लगी। अब इस बात का पता जब राजमहल में लगा तो तेसाम स्त्रियों महाराजा सुरहिन मरणस दुखिता। जब कंस और उसके भाई की पत्नियों को पता चला कि हमारे सुहृद गण मारे गए तो सब दौड़ करके आई और अपने अपने पति के पार्थिव शरीर से लिपट लिपट करके रोने लगती हैं। हा नाथ प्रिय धर्म के करुणानाथ बत्सला त्वया हते निहिता वयम ते सग्रह प्रजा। हे नाथ, आपके मारे जाने से हम सबकी मृत्यु हो गई है, हमारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, मथुरा नगरी की शोभा उजड़ गई है। और फिर हो क्यों ना, जो जगत का एकमात्र आधार पारब्रह्म परमेश्वर है उससे द्रोह करने वाले की यही गति होती है जो आपकी हुई। ऐसा कह करके जब पत्नियां कंस और उसके भाई की विलाप करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, सबको ढांढस बधाते हैं। राजयोषित आश्वास भगवान लोक भावना, जो सारे संसार के आश्रयदाता हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और अपने मामी लोगों को समझाने लगे।
बोले देखो मामी ये मृत लोक है, जो यहाँ आया है उसका मरना निश्चित है। आज मामा जी का समय पूरा हुआ चले गए, कल हमारा समय पूरा होगा हम चले जाएंगे, परसों आपका पूरा होगा तो आप चले जाइएगा। जिस दिन समय पूरा हुआ, यही एक सत्य है संसार का, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना दौलत हो, चाहे जितना स्नेह हो, या जाने वाले के बिना चाहे जितना काम रुका हो, लेकिन अगर समय पूरा हो गया तो लाख प्रयत्न करो लेकिन फिर हम बचा नहीं पाएंगे। क्यों ही संसार का ये मृत लोक है, जो यहाँ आया है मरना निश्चित है, वही एक सत्य है, समय पूरा हुआ तो संसार छोड़ करके जाना ही होगा। समझाए, एक उदाहरण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं, मिट्टी का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं, मिट्टी का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं, का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं, मेरे का खिलौना है। मिल जाए तो कुछ भी नहीं, मिल जाए तो कुछ भी नहीं, हो जाए तो सोना है। मिल जाए तो कुछ भी नहीं, हो जाए तो सोना है। गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के मेहमान है। गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के मेहमान है। गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के मेहमान है। कम हो या खुशी दोनों कुछ देर के महिमा है। हर वक्त ये रोना भी, हर वक्त ये रोना भी, रोना तो ये रोना है। हर वक्त ये रोना भी, रोना तो ये रोना है। जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे, तुम्हारी बूढ़ी आजी लोग जब दरवाजे पर झाड़ू लगाती थी तो बड़ा सुंदर गीत गाते थे, पूरा वेदांत भरा रहता था उन गीतों में। यह जीवन मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े गिर जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाए, हवा चले उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पूरा वेदांत भरा है, क्या भरोसा है, मिट्टी का ढेला है, सांस चल रही है, कौन सी आखिरी हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। बोलते बोलते श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बड़े मूर्धन्य संत थे, राम कथा बड़ी अलौकिक कथा बोलते थे। जिस दिन उन्होंने चर्चा किया कि एक सांस ले रहे हैं, एक सांस ली एक ले रहे हैं, और तीसरी ले पाए कि ना ले पाए इसका कोई ठिकाना नहीं, उसी दिन उनकी शरीर छूट गई। भगवान का भजन करते करते शरीर छूट गए। ये संसार है, जो आया है जाना निश्चित है, जिसका समय पूरा हुआ तो लाख प्रयत्न करो लेकिन कोई बचा नहीं सकता। समझाए भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद उस समय की जो रीत रिवाज थे, जो परंपरा थे, उस परंपरा के अनुसार जितने लोग मारे गए हैं सबकी पार्थिव शरीर को लेकर के जमुना नदी के तट पर गए, सबका अंतिम संस्कार करवाया, फिर सबको जलांजलि दिलवाई और वापस लौट करके जेल के दरवाजे पर खड़े हुए। और जैसे जेल के दरवाजे पर भगवान खड़े हुए तो पहले जेल के दरवाजे पर पहुंचते ही प्रणाम किया तो बलराम जी बिगड़ गए, क्यों नहीं या क्या करते हो, ये जेल है, यहाँ बड़े बुरे बुरे लोग आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं भैया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, ये हमारी आपकी जन्मभूमि है। कृष्ण और बलराम रूपी दो अंकुर प्राप्त करने के लिए
मैया देवकी और बाबा वसुदेव ने इसी स्थान पर अपने छह छह पुत्रों के रक्त को बहाया है, तब कृष्ण और बलराम रूपी दो अंकुर प्राप्त हुआ है। ये हमारी आपकी जन्मभूमि है और इसी जेल में हमारे आपके माता पिता बंद हैं। दोनों भाई जेल के दरवाजे पर प्रणाम किए, जैसे खड़े हुए दरवाजा खुल गया, अंदर गए और जब अंदर पहुंचते हैं तो मातरम पितरम चयु मोचयित्वाथ बंधनात्। भगवान श्री कृष्ण माता पिता को बंधन से मुक्त किया और कृष्ण रामो बबंदाते सिरसा अस्पृश्य पादियो हो, पहली बार माता पिता के पास पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो सिर चरणों में झुका करके प्रणाम किया, सिर से चरणों को, सिर को चरणों से लगा दिया, प्रणाम किया और देवकी वसुदेव को लगा कि देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो, देवकी वसुदेव को लगा ये जगदीश्वर है और जो जगत का ईश्वर है उसे अपना पुत्र कैसे मानो, मतलब भगवत भाव हो गया अब उन्हें बेटा कैसे मानो। ऐसा जब मन में भाव आया तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि मेरे माता पिता को मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है और यह सर्वथा उचित नहीं है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला की है कि भगवत भाव गायब हुआ और जैसे ही भगवत भाव त्रिभुवित तो हुआ तुरंत लगा मेरे पुत्र, तो दौड़ करके ऐसे गले से लगाए तो भगवान श्री कृष्ण भी बोल पड़े, हे माता जी, हे पिताजी, हम आपसे मिलने के लिए सर्वथा उत्कंठित रहते थे लेकिन मामा कंस का जाल ही इतना कठिन था जिसे काटने में मुझे 12 वर्ष का समय लगा और जैसे जाल काटा वैसे आपके सामने आकर के खड़ा हो गया। और दूसरी तरफ सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यता ना तयुर्यात निर्वेशम प्रत्यो मर्त्या सतायुषा। ये जो हमारी आपकी शरीर है कितनी सुंदर शरीर है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मानव शरीर सीधा वैकुंठ का दरवाजा है और मिलती कैसे है, माता पिता की कृपा से, माता पिता के संयोग से ही यह मानव शरीर पर मिलती है और माता पिता जन्म दे करके पाल पोष करके जब इसे बड़ा कर देते हैं तब कहीं जाकर के ये शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन बनता है। और ऐसी शरीर को प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष जी करके माता पिता की सेवा करता रहे, सोचे उनके ऋण से ऋण हो गया तो शायद असंभव है। नहीं तो विचार कीजिए कितनी तन्मयता से माता पिता ने सेवा की है। यही शरीर जब नन्हे से थे तो माँ के साथ लेटे लेटे बिस्तर गीला कर देते थे, दीर्घ संकालोक सुनका मैया के आंचल में हम सब करते आए और मैया जरा से बिखरेना नहीं, तुरंत गोदी में उठाती, ले जाकर के साफ करती, बढ़िया वस्त्र पहनाती, फिर ला करके पलंग पर लिटा देती। और वही मेहता जब वृद्ध होती है अगर कहीं उसने लघु शंका दीर्घ शंका किया तो और सेवा करनी पड़ती है तो लोग डांट लगाते हैं, जरा से बता नहीं सकते। याद करो एक माँ अपने लाला को कैसे पालती है, 9 महीने उदर में रख करके, लाला को जरा से चोट न लगे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कैसे पालती है अपने लाला को, जन्म देती है, जन्म दे करके स्वयं गीले में सोती है और बच्चे को अपनी अंचल की ओट में छुपा करके सुलाती है। वही बालक जब बड़ा होता है तब माँ को क्या कहता, विचार कीजिए, एक अभिलाषा होती है कि लाला बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा और जो सेवा का अवसर आता है तो बच्चे ऐसे मुख मोड़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अगर 100 वर्ष तक कोई जी करके माता पिता की सेवा करे और सोचे कि उनके ऋण से ऋण हो गया तो शायद असंभव है, उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होकर के भी माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, ऐसा जीव जब शरीर को छोड़ता है तो बड़ी कठिन है जब मार की डगर, बड़ी कठिन है, रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगेगी और जीव जब कुछ खाने पीने के लिए दौड़ता है तो रास्ते में उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, मालूम है क्या मिलता है, वृत्तिम ना दद्यातम प्रेतम स्वामांसम खादंते। ऐसा जीव जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जम के मार्ग में अपने ही शरीर का मांस नोच नोच करके खाता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। इसके बाद जेल से मुक्त किए लेकर के आए, फिर अपने नाना उग्रसेन जी को मथुरा के राज सिंहासन पर बिठाया। बोले नाना जी मैं जानता हूं महाराज याति का अभिशाप है कि कोई यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, लेकिन ये मेरी इच्छा है इसलिए बैठो। जब मैं कृष्ण
आपके चरणों में हमेशा सेवा के सेवक के रूप में खड़ा रहूंगा। तो बड़े बड़े देवता अम्लात्मा विमलात्मा सब आपकी सेवा में नाना प्रकार की भेंट की सामग्री लेकर के उपस्थित रहेंगे। अब ऐसे ही अपने नाना उग्रसेन जी को मथुरा के राज सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद एक दिन दो दिन चार दिन जब मथुरा चारों तरफ से सुरक्षित हो गया तब दोनों भाई बाबा नंद के पास गए। नंद जी साथ में आए हैं और ये आसरा लेकर के बैठे हैं कि जब मथुरा सुरक्षित होगा तो मेरे साथ मेरा लाला गोकुल नगरी चलेगा। पहुंच गए और जब पहुंचे तो अथ नंदम समासाद्य भगवान देव की सुता संकर्षणश्च राजेन्द्र परिस्वजद मो मूर्ता। दोनों भाई गए नंद जी के गले लगे और आंखों में आंसू भर करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सा पिता सा जननी यो पुष्णी ताम स्वा पुत्रोत। संसार में जन्म देने वाले माता पिता से बढ़कर के वह माता पिता होते हैं जो परित्यक्त बच्चों को पाल करके पोष करके बड़ा कर देते हैं। मैया देवकी बाबा वसुदेव ने जन्म दिया तो क्या हुआ, लेकिन पालन पोषण तो आपने किया। बाबा नंदन के हलाला ये सब क्यों कहते हो, क्या गोकुल नहीं चलना है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आप बताओ कि जिस मैया ने जन्म दे करके मेरे आने की प्रतीक्षा 12 वर्ष तक करती रही और 12 वर्ष के बाद उस मैया के पास आया, तो अगर आप कहते हैं तो तुरंत चलता हूं। अब नंद जी प्रेम में अधीर हो गए, कैसे कहें कि अपने जन्मदात्री माता पिता को छोड़ करके मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बैठे रहे, उग्रसेन जी आए, वसुदेव जी आए, खूब समझाया समझाया बुझाया और उसके बाद बोले कि भाई अब अपने गोकुल नगरी को पधारो। और जब बहुत कहने सुनने से नंद जी मथुरा से गोकुल जाने के लिए तैयार हुए तब एवं शांतय भगवान नंदम सावरजम अच्युता वासो अलंकार को प्यादई रहा यामास सादरम। नाना प्रकार का वस्त्र आभूषण मिट्टी के बर्तन सोने के बर्तन चांदी के बर्तन ये सब नंद जी को भेंट किया गया। नंद जी सारा सामान बैलगाड़ी पर रखे और रख करके जब मथुरा से गोकुल नगरी की तरफ चले तो भगवान के प्रेम में अधीर होकर के इनके आंखों से आंसू टपकने लगे और वैसे ही रोते हैं जैसे राम जी के प्रेम में दशरथ जी रो रहे थे कि हर गुणन दन प्राण प्रीते हर गुणन दन प्राण प्रीते हर गुणन बिन जिया तब बहुत दिन देते तुम बिन जिया तब बहुत दिन देते तुम बिन जिया तब बहुत दिन देते। प्रेम शुभल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के प्रेम में अधीर बाबा नंद जी अपनी बैलगाड़ी को हांक नहीं पा रहे हैं लेकिन किसी प्रकार से मथुरा से विदा होकर के गोकुल पहुंचे। और जैसे ही मैया सोदा ने देखा कि नंद जी आए तो जोर से पुकार उठी, लाला आया गोविंद आया। और जब बैलगाड़ी के पास गए देखा तो भगवान नहीं है। तो बाबा नंद ने कहा, देखो यशोदा मैं तुम्हारे लिए मथुरा नगरी से क्या लेके आया हूं, वही मिट्टी के बर्तन सोने चांदी के बर्तन वस्त्र आभूषण सब गाड़ी से उतार उतार करके रखने लगे। और जब पूरी बैलगाड़ी खाली हुई तो मैया सोदा ने कहा, मेरा लाला। बाबा नंद ने कहा, अब वो अपने जन्मदात्री माता पिता के पास पहुंच गया है तो भला वहां से लौट करके कैसे आएगा? तो मैया सोदा ने रो करके कहा, मेरा मड़ी जैसा बेटा मथुरा में छोड़ करके कंकड़ पत्थर लेकर के आए हो, इन कंकड़ पत्थरों से मेरा कोई प्रेम नहीं कोई स्नेह नहीं। ऐसा कहकर के मैया रोने लगी, इनके आंखों से आंसू टपक पड़े। मैया ने रो करके कहा, अखियां हैं प्यासी प्यासी लगती हैं पूरण आसी अज हो ना आए मोरे मोहना रे बहना अज हो ना आए मोरे अखियां हैं प्यासी प्यासी लगती हैं
शरण आसी अज हो ना आए मोरे मोहना रे बहना अज हो ना आए मोरे मोहना दयवा जो गड़ गड़ कर जे बिजली जो चम 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 के पपीहा जो पीऊ पीऊ बोले बिरहा की आग बोले आज हो ना आए मोरे मोहना रे बहना आज हो ना आए मोरे मोहना अखियां हैं प्यासी प्यासी लगती है पूरण आसी आज हो ना आए मोरे मोहना रे बहना प्रेम शुभ भक्तवत्सल भगवान की जय। यही समय है, वक्त वक्त का तकाजा है, कहीं मातम तो कहीं नाच बाजा है। किसी के पांव तले बिछा करते हैं गलीचे और किसी को मरने पर कफन तक नहीं मिलते। समय बड़ा बलवान होता है। आज मैया देवकी का समय बलवान है तो पालने वाली मैया यशोदा अपने लाला की एक झलक देखने के लिए तड़प रही, रो रही है। मैया देवकी ने वसुदेव जी को बुलाया, बच्चे 12 वर्ष के हो गए, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। गर्गाचार्य जी बुलाए गए, भगवान श्री कृष्ण का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने स्वयं उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। इसके बाद जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो एक दिन मैया देवकी बैठी थी और बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण से पूछा, लाला कुछ पढ़ना लिखना जानते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैया क्या? तो गिनाने लगे, जो जो लीला किए सब गिनाने लगे। पेड़ पढ़ चढ़ना जानता हूँ, लकड़ी तोड़ना जानता हूँ। मैया कभी कभी लोगों के घर चुरा चुरा करके माखन खाता था तो चोरी भी कर लेता हूँ, मतलब जो जो लीला गाय चरा लेता हूं, जो भी लीला के सब गिनाने लगे। मैया ने कहा, ये नहीं कुछ पढ़ना लिखना, तो जगत के गुरु हैं हमारे सरकार। लेकिन बोले मैया भी विद्यालय का मोह नहीं देखा। तो मैया देव की तुरंत गर्गाचार्य जी को फिर बुलवाया। गर्गाचार्य जी आए और उनसे बोल पड़े कि लाला अब इतना बड़ा हो गया कि पढ़ने की व्यवस्था की जाए। ऐसा जब बोले कि लाला के पढ़ने की व्यवस्था की जाए तो गर्गाचार्य जी ने कहा सोच करके, भाई जो जगत का गुरु है उसका गुरु कैसे बनूं? तो बहाना कि मैं तो आपका कुल पुरोहित हूं। तो वसुदेव जी ने कहा, कोई बढ़िया सा विद्यालय हो, वहां का कोई कुलपति श्रेष्ठ हो तो बताओ। तब गर्गाचार्य जी ने इशारा किया, अथ गुरुकुले वासा इच्छा उपजगमतो काश्यम सांदपिनी नाम या अवंतीपुर वासिना। जो आज का उज्जैन है उसी को पहले का अवंतीपुर कहते हैं। उसी अवंतीपुर में काश्यप गोत्री एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था सांदपनी जी। उन्हीं के नाम को बताया तो दोनों भाई रथ के ऊपर बैठ करके गुरु सांदपनी के आश्रम में जाकर के विधिवत विद्या अध्ययन प्रारंभ किए। इधर विद्या अध्ययन शुरू हुआ तो भगवान एक एक रहस्य के साथ सारहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पंथस तथा, एक एक रहस्य के साथ धनुष को चलाना, धर्म की शिक्षा, न्याय पंथस तथा। भगवान जज और एडवोकेट दोनों थे, न्याय करना भी जानते थे और करवाना भी जानते थे। तथा अनिविक्षीम विद्या, मतलब अनिविक्षी वो जो गुप्तचर विभाग की विद्या होती है। राजनीतिम च खड विधाम, एक एक रहस्य के साथ छह प्रकार की राजनीति भी भगवान श्री कृष्ण करते थे। अहोरात्रय चतुष्ट्याम संयतो तावती कला, भगवान श्री कृष्ण केवल 64 दिन में 64 विषय से मास्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं। आज अगर बच्चे को मास्टर डिग्री लेना है तो जिस दिन बच्चा विद्यालय में प्रवेश करे अनवरत 18 वर्ष तक पढ़े फेल ना हो तब एक विषय से मास्टर की डिग्री मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण ओनली 24 आवर, मात्र 24 घंटे में एक विषय से मास्टर हो जाते हैं। ओनली 24 आवर, मात्र 24 घंटे में, राम जी की तरह कि गुरु गृह पढ़ न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ न गए रघुराई।
पकाल बीता सब आई हरा पकाल सब आई अला पकाल सब आई। सुबल भक्त वत्सल भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की तरह भगवान श्री कृष्ण भी मात्र 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया। 65वां दिन आया, बोले गुरुजी आज कौन सा विषय पढ़ाएंगे? बोले बाप अपने घर जा सकते हो, आपको शिक्षा देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, जितनी जानकारी थी सब बता दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुरु दक्षिणा आचार्यम छंदयामास्तुर नृपा, बताइए गुरुजी दक्षिणा क्या दे दी जाए। तो गुरुजी सोच रहे हैं कि अभी दक्षिणा मांगूंगा तो इनको कुछ भी असंभव नहीं, तुरंत दे करके चले जाएंगे। तो बोले कल मांगो तो ठीक है, कल ले लेना। अब रात भर गुरुजी को नींद नहीं आई। तो भगवान की गुरु माता जी सांदपनी जी से कहती हैं कि आज आपको नींद नहीं आ रही है, कारण क्या है? तो सांदपनी जी ने कहा कि कल दो बच्चे विद्यालय से चले जाएंगे। तो माता जी ने कहा तो पुराना नियम है विद्यालय का, बच्चे विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं, विद्या पूरी होती है तो चले जाते हैं विद्यालय को छोड़कर के। दरवाजे पर भी आजकल लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। विद्यालय के दरवाजे पर एक तरफ शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, शिक्षा पूरी हुई बस बच्चे चले जाते, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सांदपनी जी ने कहा मालूम है कौन है वो? महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक जी के बेटी के बेटे हैं, उनके नाती हैं और वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो मैया ने कहा अच्छा अच्छा भगवान श्री कृष्ण, हाँ हाँ वही भगवान श्री कृष्ण। तो मैया ने कहा फिर आप दक्षिणा मत मांगना, मैं मांगूंगी। अब गुरुजी सोच रहे ना जाने क्या मांग लें, क्या मांगोगी? तो दोनों जन सलाह करते कि यही मांगा जाए, ठीक है यही मैं भी सोच रहा था। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त होकर के हाथ जोड़ करके जब खड़े हुए बोले गुरुजी दक्षिणा। तो गुरुजी कुछ बोले नहीं, केवल पत्नी की तरफ देखने लगे। तो भगवान की गुरु माता भगवान की तरफ नहीं देखी, अपने पति के चरणों की तरफ देख करके बोल पड़ी मांग लो। भगवान ने कहा मैया जब गुरुजी को मांगने में संकोच हो रहा है तो आप ही मांगो, जो भी इच्छा हो मांगो। मांगती नहीं फिर भी कहती हैं कि मांग लो। भगवान ने कहा मैया देना मुझे है और लेना आपको है, फिर मांगने में संकोच कैसा, निसंकोच भाव से मांगो क्या चाहिए। तब मैया ने कहा लाला जिस दिन आप विद्यालय में पढ़ने के लिए आए उसी दिन से मैं अपने पुत्र पुनर्दत्त को भूल गई थी, आज जाने के लिए कहते हो और अगर विद्यालय से चले गए तो मेरा बेटा मुझे बार बार याद आएगा, बार बार परेशान करेगा। भगवान ने कहा माँ आपके पुत्र को क्या हुआ? तब बोले मेरा बेटा पुनर्दत्त जो 10 वर्षीय था प्रभास क्षेत्र सागर के सन्निकट स्नान करने के लिए गया और जब जल में डुबकी लगाई तो वापस लौट करके नहीं आया, अगर देना चाहते हैं तो मेरा पुत्र मुझे गुरुदक्षिणा में दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की तरफ देखे, बलराम जी ने भी इशारे में कहा भाई जब बोले हो कि जो इच्छा हो मांगो तो देना ही पड़ेगा। दोनों भाई रथ पर बैठे, तथेथ आरूय महारथो रथम प्रभास्यमादाय दुरंत विक्रम। भगवान का रथ दुरंत गति तीव्र गति से चला और प्रभास से सागर के सन्निकट आकर के खड़ा हुआ और भगवान का रथ जैसे ही सागर के किनारे खड़ा हुआ तो बेलाम उपब्रज एक क्षण के लिए भगवान केवल वहां खड़े रहे। तब तक सागर पहले की बात को याद करके ये पूर्व जन्म के राम हैं और आज कृष्ण के रूप में सामने खड़े हैं। अब पूर्व जन्म में मैंने 3 दिन तक धृष्टता की थी, धनुष पर बाण चढ़ा तो उपाय बताना पड़ा और आज वही राम रूपी कृष्ण सामने खड़े हैं, आज अगर हमने धृष्टता की और कहीं बाण चढ़ गया तो कोई बचा नहीं पाएगा। तो जैसे ही कृष्ण रूपी राम जी को देखा तो तुरंत नाना प्रकार की भेंट की सामग्री पहले की बात कनक थार भर मनि गन नाना, 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 प्रूपा आयो तजिमाना, प्रूप आयो
राधा वल्लभ लाल की जय। पूर्व जन्म की बात को याद करके सागर नाना प्रकार की भेंट की सामग्री लेकर के भगवान के सामने उपस्थित हुआ। आज्ञा कीजिए सरकार, आदेश देते तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। यहाँ आने का कारण तो भगवान ने कहा, देखो सागर, ये आपकी जो चंचल तरंगे हैं हमारे गुरुपुत्र को अपने में समाहित कर ली हैं, अब मुझे गुरुदक्षिणा में देना है, मेरे गुरु का बेटा वापस कर दो। तो सागर बड़े जोर से चिल्लाया, नैवा हर्ष महादेवा, नहीं नहीं सरकार मैं नहीं। भगवान ने कहा, फिर कौन? तो बोला, दैत्यो पंच जना महान, एक पंच जन्य नाम का दैत्य है, शायद आपके गुरुपुत्र को लेकर के गया हो। भगवान ने कहां रहता है? तो सागर ने बताया, अंतर जल चरा कृष्ण शंख रूप धरो असुरा, मेरे जल की तलहटी में शंख का रूप बना करके निवास करता है, शायद आपके गुरुपुत्र को लेकर के गया हो। भगवान बलराम जी की तरफ देखे और तुरंत छपाक से सागर में कूद पड़े। जल की तलहटी में पहुंचे तो शंख को देखा और जैसे शंख का स्पर्श किया तब तक पंचजन्य दैत्य बाहर निकला और भगवान के भुजदंड को पकड़ करके लड़ने लगा। जल के अंदर ही बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य दैत्य का उद्धार किया, पेट को फाड़ दिया, लेकिन गुरु जी का बेटा नहीं मिला, शंख मिल गई जिसमें छुप करके बैठा था। अब उस शंख को लेकर के वापस जब भगवान श्री कृष्ण आए तो बोले, भैया गुरु जी का बेटा नहीं मिला। तो बलराम जी ने कहा, चलो जमराज के पास चलते हैं। तदंग प्रभवम शंखम आदाय तथा संजमनी नाम यमस्य दैताम पुरीम, जमराज जी की पुरी जिसे संजमनी के नाम से जाना जाता है, दोनों भाई जाकर के दरवाजे पर खड़े हुए और अपनी अपनी शंख को बजाया। अब भगवान की शंख की ध्वनि जब हुई तो उस आवाज को सुनकर के धर्मराज दौड़ करके दरवाजे पर आकर के खड़े हुए, अंदर नहीं बस दरवाजे पर आकर के खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बोल पड़े, लीला मनुष्य हे विष्णु इव योह करवाम किम, आप तो लीला करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारे थे, तो मेरे इस संजमनीपुरी में आने का कारण क्या है? तो धन्य है मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, बोलते कैसे हैं? भगवान ने कहा, भाई देखो, गुरुपुत्र इहानीतम निज कर्म निबंधनम, गुरुपुत्र इह आनीतम, मेरे गुरु का बेटा यहां लाया गया है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, निज कर्म निबंधनम, अपने कर्म की गति के बंधन में बंध करके, इसलिए आनयस्व महाराज। भगवान हाथ जोड़ लिए, बोले आनयस्व महाराज, बस उसी मेरे गुरुपुत्र को वापस कर दो, क्योंकि मुझे गुरुदक्षिणा में देना है। तो धर्मराज जी ने कहा, सरकार आपका बनाया हुआ नियम है कि जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार यहाँ आता है और जब तक कर्म भोग पूरा नहीं होता तब तक यहाँ से वापस जाता नहीं है, कि आपके गुरुपुत्र का कर्म भोग पूरा नहीं हुआ तो मैं छोड़ कैसे दूं, क्योंकि ये बनाया आपका नियम है। तो भगवान ने कहा, मेरा आदेश है, पहले तो विनती की है, और जब धर्मराज जी थोड़ा टाइट हुए तो भगवान ने कहा, मेरा आदेश है। अब भगवान के आदेश को कौन टाल सके? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को निचली अदालत से मृत्युदंड की सजा हुई तो ऊपर जाएगा, वहां भी सजा बरकरार रही तो हाई कोर्ट जाएगा, वहां भी सजा बरकरार रही तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मान लीजिए वहां भी मृत्युदंड की सजा बरकरार रही, अब वो क्या करे? एक ऑप्शन है उसके पास, राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना की। अब ये राष्ट्रपति का स्वच्छंद अधिकार है, चाहे तो सजा कम कर दे या सजा माफ कर दे या सजा बरकरार रखे। जब एक राष्ट्र के राष्ट्रपति का इतना अधिकार है तो जो जगतपति है उसका कितना बड़ा अधिकार होगा? भगवान ने कहा, मेरा आदेश है। अब भगवान के आदेश को कौन टाले? तो धर्मराज ने कहा, यही प्रतीक्षा करो, अंदर नहीं ले गए, क्योंकि जाने अंदर जाएंगे तो व्यापार चौपट हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे, इसलिए बोले यही प्रतीक्षा करो। भगवान दरवाजे पर प्रतीक्षा करते हैं, तब धर्मराज गए अंदर से, इनके गुरुपुत्र की आत्मा, क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर यहां छूट जाती है, वही आत्मा लेकर के आए और आत्मा ला करके अर्पण किया, ये लीजिए। तो भगवान सोच रहे हैं, अब सूक्ष्म शरीर तो मिल गए, अस्थूल शरीर कैसे मिले? तब ब्रह्मा जी के द्वारा एक अस्थूल काया का निर्माण करवा करके उसी में पंच भौतिक शरीर में भगवान उस सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करा करके और ला करके गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया। बोले, गुरुदेव आपका बेटा। जब सामने खड़ा किया तो भगवान ने कहा, अच्छा अब आदेश दीजिए, चलता हूं। तो गुरु जी ने कहा, नाथ आपकी कृपा से मेरा बेटा मुझे वापस मिला, तो अब एक रात और रुक जाओ,
कितना स्नेह है कि किसी न किसी बहाने से जो भी क्षण इनके साथ बीत जाए। ठीक है, भगवान एक रात्रि और रुकते हैं, दूसरे दिन एक छोटा सा यज्ञ का आयोजन हुआ, उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण लौट करके अपनी मथुरा नगरी आए। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा नगरी आए तो एक दिन बैठे थे, अचानक भगवान को गोकुल की याद आई, और जब गोकुल की याद आई तो भगवान के नेत्रों से आंसू टपक पड़े। तब तक भगवान के एक परम मित्र जिनका नाम है उद्धव, वृष्णि राम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। नाम है उद्धव, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, अज्ञानियों में अग्रणीय हैं। जैसे उनकी दृष्टि पड़ी तो आकर के खड़े हुए सामने, बोले गोविंद आपके नेत्रों में आंसू, तो अगर आंखों से आंसू टपके हैं, अगर आंखों से आंसू निकले हैं तो चाहे जितना प्रयत्न करें आप छुपा नहीं पाओगे, आंखें बता देती हैं कि मैं रोई हूं। जैसे दृष्टि पड़ी तो भगवान छुपाना चाहे लेकिन छुपा नहीं पाए। तब भगवान आगे बढ़े, उद्धव जी के हाथ को पकड़ लिया, गृहित्वा पाणिनाम पाणिम प्रपन्न आर्त हरो हरि, गृहित्वा पाणिनाम पाणिम, अपने हाथ से उद्धव जी के हाथ को पकड़ करके आर्त भाव में भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, गक्ष उद्धव ब्रजम सौम्ये प्रीतौर्णो प्रीतिमावहा। हे उद्धव जी, यहां से निकल करके आप ब्रज जाओ, और ब्रजमंडल में मेरी माता, मेरे पिता, ओ गोपियां, ओ गोप, ओ गाय, ओ बछड़े, जो मेरे स्नेह में अपने आप को निरीह समझते हैं, मेरे वियोग में हमेशा दुखी रहते हैं, उनको जाकर के थोड़ा समझा करके आओ। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के हाथ को पकड़े, बोल पड़े, उद्धव खबर लेके जाओ, उद्धव खबर लेके जाओ, ललित राधे दुखवा में हुई है, उद्धव खबर लेके जाओ, ललित राधे दुखवा में हुई है, उद्धव खबर लेके जाओ, ललित राधे दुखवा में हुई है, उद्धव खबर लेके जाओ, ललित राधे दुखवा में हुई है, दुखवा में हुई है राधा, दुखवा में हुई है, दुखवा में हुई है राधा, दुखवा में हुई है, उद्धव खबर लेके जाओ, ललित राधे दुखवा में हुई है, खबर लेके जाओ, ललित राधे दुखवा में हुई है। शुभ वृंदावन बिहारी लाल के जय। उद्धव जी को बुला करके भगवान श्री कृष्ण उसी रथ पर बिठाया जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण को बिठा करके अक्रूर जी मथुरा लेकर के आए थे। उद्धव जी रथ पर बैठे और जब चलने लगे तब भगवान अपने गले की वैजयंती माला उनके गले में डाल दी, कंधे का पीतांबर उनके कंधे पर रख दिया निशानी रूप, और रथ को लेकर के उद्धव जी चले। और जब उद्धव जी ब्रज के सन्निकट पहुंचे तो लोगों से पूछते पूछते बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंचे, और नंद जी ने जब उद्धव जी को देखा तो ऐसे जा करते हैं उद्धव जी को जैसे भगवान श्री कृष्ण से स्वयं मिल रहे हों। तमागतम समागम में कृष्णस्या अनुचरम प्रियम नंदा प्रीता परिस्वेज्य वासुदेव धियार्चता, मानो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हों, ऐसे गले लगे। और उसके बाद आसन पर बिठाया, सेवक आए पांव पखारे, फिर भोजन की व्यवस्था हुई। उद्धव जी भोजन किए, भोजितम परमा अन्नेन संविष्टो कश्यपो सुखम, भोजन करके जब सुखपूर्वक ये चारपाई पर विश्राम करने लगे तब दो सेवक आए उद्धव जी के पांव दबाने लगे। अगतः श्रम परिप्रक्षत पाद संवाहन आदि, पैर आदि दबाने से उद्धव जी के मार्ग का जब परिश्रम थकावट दूर हो गया तब बाबानंद इसे बगल में बैठे और पूछते हैं, भैया उद्धव अपि स्मरति ना कृष्णा, क्या कभी कृष्ण हम लोगों को याद करते हैं? अच्छा भैया एक बात बताओ, तहि द्रक्षाम तद्वक्त्रम सुनसम सुमितक्षणम, उनका जो सुंदर कमलवत मुखारविंद है क्या उसे देखने का दोबारा हम लोगों को अवसर मिलेगा? ऐसे बात करते करते
उद्धव जी सोचे कुछ समझाऊं नंद जी को, तब तक नंद जी ने एक ऐसी बात बता दी जिसकी कल्पना उद्धव जी ने नहीं की। नंद जी ने कहा, मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्तावि श्रोत्तम। ये मैं जानता हूं कि कृष्ण और बलराम ये दोनों श्रोत्तम हैं, मतलब देवताओं में उत्तम हैं, साक्षात भगवान हैं। सुराणाम महदर्था गर्गस्य वचनम यथा, ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए हैं, ये मुझसे गर्ग जी ने बताया। मैं जानता हूं कि भगवान है, फिर भी इसी गोद में खिलाया है, कंधे पर बिठाया है, ये उसकी माया सोदा है जो अपने स्तन का पान कराया है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, हाथों से माखन खिलाया है, अब उन्हें अपना बेटा कैसे न मानो। ऐसी बात करते करते इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदा कृष्णानुरक्तधी, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते करते उनके प्रेम में अनुरक्त बाबा नंद के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मैया सुधा बगन में बैठी हैं, नंद जी के द्वारा पुत्र के चरित्र को सुन करके उनके भी नेत्र से आंसू टपकने लगे। तब उद्धव जी को थोड़ा समय मिला, अवसर मिला तो समझाते हैं। बोले, बाबा देखो, बलराम और श्री कृष्ण संसार के उपादान और निमित्त दोनों कारण हैं। उनको अपना बेटा मानना छोड़ दो, क्योंकि ना माता ना पिता तस्य ना भार्या ना सुतादया, ना उनकी कोई माता है, ना कोई उनका पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पत्नी है, ना आत्मियों ना परश्चापी, ना अपना है ना पराया है। ये तो लीला करने के लिए आते हैं, साधु संतों की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनका अवतरण होता है। ऐसे ही जब बातचीत होने लगी तो बात करते करते पूरी रात बीत गई। विचार कीजिए कितनी सुंदर कथा हो रही है, नंद जी के और उद्धव जी के बीच इतनी सुंदर कृष्ण चर्चा हो रही है कि जब उद्धव जी भगवत चर्चा करें तो नंद और यशोदा सुने, और नंद जी जब भगवान के चरित्र का वर्णन करें तो उद्धव और यशोदा सुने, और पूरी रात कथा हुई। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता नंदा सकृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूपद्योपान वास्तून शंभ्यार्च दधिन्य मंथन। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता, नंद और उद्धव जी के बीच बात करते करते पूरी रात बीत गई लेकिन किसी को नींद नहीं आई। और आज के समय में अगर 3 घंटे भगवान की चर्चा हो तो दो चार, अगर 10 मने बैठा बा तो 2-4 जन तो सोबे ही करत हो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। दिन में रात्रि की तो बातें छोड़ दीजिए, और वहां एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता, पूरी रात भगवत चर्चा करते करते बीत गई, न नंद जी को नींद आई, न कृष्ण जी को, न यशोदा जी को। सुबह हो गई, गोपियां अपने अपने घर में उठी और दीपकों को जला करके दरवाजे की दहली पर रखा। जैसे शाम को हम दीपक जला करके दरवाजे की दहली पर रखते हैं, वैसे नियम है सुबह भी दीपक जला करके दरवाजे की दहली पर रखना चाहिए। इसके बाद वास्तुन संभर्ज, घर के जो यत्र यत्र वस्तुएं तितर बितर हैं सबको यथा स्थान रखा, और दधीन मंथन, सब अपने अपने घर में बैठ करके दधि का मंथन करने लगे। दधि मंथन के शब्द लोगों के कान में पड़े, उद्धव जी को भी लगा कि अब सुबह हो गई है, उठना चाहिए। और इधर जब सूर्य भगवान निकले, भगवत उदिते सूर्ये नंदत द्वारि ब्रजौ कसाहा, जब सूर्य भगवान निकले तो ब्रज मंडल की जितनी गोपियां हैं उनका रोज का नियम है, बाबा नंद के दरवाजे पर रोज आती हैं और प्रणाम करके फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। केवल इसलिए इसी दरवाजे पर मेरा गोविंद रहता था, इसी घर में मेरे प्राण धन रहते थे। और आज जब गोपियां नियम के अनुसार बाबा नंद के दरवाजे को प्रणाम लिए आई तो दृष्टवा रथम, गोपियों ने रथ देखा तो पहचान गई रथ तो ये ही है जो अक्रूर जी लेकर के आए थे और मेरे प्राणाधार को लेकर के चले गए। तो एक गोपी ने कहा, अक्रूर आगता किमवा, कहीं अक्रूर फिर से तो नहीं आ गया। तो किसी गोपी ने कहा, अब काहे के लिए आएंगे। तो एक गोपी ने कहा, कंस्यास कार्य साधका, कंसास कार्य साधका, कंस का कार्य बनाने के लिए। तो किसी गोपी ने कहा, भाई अब कंस का कौन सा काम बनेगा, मेरे प्राण धन को लेकर के गए, कंस को मरवा दिए, अब तो जो भी उसकी गति दुर्गति होनी थी सो हो गई, अब कौन सा काम बनेगा। तो एक गोपी ने कहा, प्रेतस्य निष्कृतिम, अकाल मृत्यु हुई है, प्रेत योनि में गया है,
अब हमरे सबका लेके चलिए कंस के पिंडा पानी देवावे बदे जौने सुख मुक्ति हो जाए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेतस्य निष्कृतिम, प्रेतस्य निष्कृतिम, प्रेत योनि में गया है, हम लोगों से पिंडदान करवाएंगे जिससे कंस मुक्त हो जाए, फिर हमें उन अक्रूर से क्या लेने देना। ऐसे गोपियां आपस में चर्चा कर ही रही थी तब तक सामने से उद्धव जी बाबानंद के दरवाजे से निकले। और जब उद्धव जी को आता हुआ देखा तो तम वृक्ष कृष्णाचरम कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया, जब ब्रज की गोपांगनाओं ने उद्धव जी को घर से बाहर निकलते हुए देखा, भगवान कृष्ण के अनुचर हैं ऐसा जब जाना, प्रलंब बाहु लंबी लंबी भुजाएं हैं, नवकंज लोचनम कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कंधे पर पीतांबर है, गले में वैजंती माला, तुरंत जाकर के गोपियां उद्धव जी को घेर करके खड़ी हो गई और पूछती हैं, विज्ञाय संदेश हरम रमापते। जब पता चला कि हमारे गोविंद के संदेश वाह गए तो पूछने लगे मेरे गोविंद कैसे हैं, मेरा कन्हैया कैसा है, अब गोपियां समाचार पूछने लगे तो उद्धव जी ने कहा किशोरी जी कहां मिलेंगे। तो गोपियां उद्धव जी को लेकर के जमुना नदी के किनारे गए और एक कदम वृक्ष के नीचे मैया किशोरी बैठी है। और उद्धव जी ने जब किशोरी जी को देखा तो वैसा ही स्वरूप उद्धव जी को दिखाई पड़ा जैसे राम जी के वियोग में अशोक वाटिका में मैया जानकी बैठी है। जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एकदम कृष्ण का शरीर और कृष्ण 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 यही स्मरण कर रही हैं। उद्धव जी पहुंचे और जब उद्धव जी पहुंचे पत्र हाथ में दिया तो किशोरी जी पत्र लेते हैं लेकिन उद्धव जी से बोल पड़े, हे उद्धव जी मालूम है गोविंद हम लोगों को छोड़कर के कैसे चले गए। उद्धव जी ने कहा कैसे, तो गोपियां बताती हैं, निस्वम तजंत गणिका अकल्पम निपतिम प्रजा, जैसे जार पुरुष का धन समाप्त होने पर वेश्या छोड़ करके चली जाती है। अकल्पम निपतिम प्रजा, घर का मुखिया देश का राजा, जेब में पैसा है तो परिवार वाले पीछे पीछे दौड़ते हैं, प्रजाजन पीछे पीछे, और अगर जेब का पैसा समाप्त हो गया तो शायद एक लोटा जल मांगने पर मिले। जैसे अधीत विद्या आचार्यम, विद्यार्थी गुरु जी के पास कब तक रहते हैं, जब तक लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलते, और जहां मिली गुरु जी प्रणाम फिर मिलेंगे। और ऋतुजो दत्त दक्षिणात, पंडित जी लोग जजमान के दरवाजे पर कब तक रहते हैं, जब तक दक्षिणा नहीं मिलती, और जहां दक्षिणा मिली तहां जो भी रिश्ता है दादाजी भैया जी फिर मिलेंगे। जैसे दक्षिणा मिलने पर जजमान को छोड़ करके आचार्य लोग चले जाते हैं। खगा बीत फलम, वृक्ष में फल है, पक्षी बार बार आते हैं, फल चला गया तो शायद कोई पक्षी छाया के लिए उस वृक्ष के पास आवे। भुक्तवा चा अतिथियो गृहम, चाहे जितना बड़ा भंडारा हो लोग दरवाजे पर कब तक रहते हैं, जब तक जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं मिलता, और जहां प्रसाद मिला जो रिश्ता है दादाजी भैया जी अब तो प्रसाद पाए फिर मिलेंगे। वैसे ही कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके चला गया। ऐसे ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त चर्चा कर रही थी तब तक कचिन मधुकरम दृष्टवा धायंती कृष्ण संगमम। कचिन मधुकरम, एक काला काला भंवरा आया और एक गोपी के पैर के पास गुनगुनाने लगा। और जैसे ही उस काले भ्रमर को गोपियों ने देखा तो लक्ष्य करके बोल पड़े, रे मधु तू कपटी का सखा है इसलिए तू भी कपटा है, तू भी कपटी है, तू मेरे पैरों में मत छू, मेरे पैरों को मत छू, मेरे पैर को छू करके तू मुझे मत मना, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर, हम रूठे उस कन्हैया से मानने वाली नहीं। अब विचार कीजिए ऐसा क्यों कहा, उस भौरे को गोपियों ने कपटी क्यों कहा,
मानो उद्धव जी को संदेश देना चाहती हैं। गोपियों ने कहा कि जैसे एक भ्रमर जब एक पुष्प पर बैठता है तो मकरंद लेकर के दूसरे पुष्प पर चला जाता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे पर चौथे, उसी प्रकार से गोविंद हम गोपियों के पास 12 वर्ष तक रहे, मुझ गुण ग्वालिनों के साथ स्नेह का बंधन लगा करके, और उसके बाद जब मथुरा यहां से हम लोगों को छोड़ करके गए, अब वहां की पढ़ी लिखी नारियां राजकुमारियां जब अपने हाव भाव से अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करेंगे तो मुझ मोड़ ग्वालिनों को भला कैसे याद करेंगे। तो जैसे कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया, वैसे भंवर भी कपटी, कभी इस फूल पर, कभी उस पर, कभी उस पर मंडराता रहता है। अब उद्धव जी बड़ा प्रयत्न करते हैं गोपियों को समझाने का, लेकिन समझा नहीं पाए, बल्कि स्वयं समझ गए। 6 महीने तक रहे, आए थे समझाने, समझा नहीं पाए, स्वयं समझ गए। और जब समझ आई तो यहां से लौट करके 6 महीने बाद जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान ने आता हुआ देखा तो बोले आइए आइए ज्ञानी जी। उद्धव जी आए, चरणों में बैठे, बोले सरकार आप वास्तव में बड़े छलिया हैं। भगवान ने कहा क्यों? ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में अग्रणी उद्धव जी बोल रहे हैं। बोले चाहे जो बोल रहे हो, लेकिन जब आपको वापस लौट करके नहीं जाना था तो फिर आपने झूठा क्यों वादा किया कि आज जाता हूं कल रुकूंगा परसों चला आऊंगा, क्यों झूठा वादा किया जब आपको जाना नहीं था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव ये आप बोल रहे हो, मेरा गोपियों से कभी बिरा नहीं होता, वियोग नहीं होता, मैं तो हमेशा उन्हीं के पास रहता हूं। उद्धव जी ने कहा 6 महीने रह करके आया हूं, एक दिन भी आप दिखाई नहीं पड़े। तो भगवान अपना अघारी हाथ जैसे उद्धव के मस्तक पर रखा तो ऐसा अद्भुत दृश्य देखा उद्धव जी ने कि वृंदावन का सुंदर एक कोना है, एक कदम वृक्ष है, उस पर झूला पड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण उस झूले पर बैठ करके मैया किशोरी के साथ झूला झूल रहे हैं। छाय रही अजब बहारी रे झूले कृष्णा मुरारी, छाय रही अजब बहारी रे झूले कृष्णा मुरारी, छाय रही अजब बहारी रे झूले कृष्णा मुरारी, छाय रही अजब बहारी रे झूले कृष्णा मुरारी। सोना तेरा पड़ा है ही डोला, 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 सुंदर साज सजवा अनमोला, सुंदर साज सजवा अनमोला, झूला झूला में ब्रज नारी रे झूले कृष्णा मुरारी, झूला झूला में ब्रज नारी रे झूले कृष्णा मुरारी, छाय रही अजब बहारी रे झूले कृष्णा मुरारी, छाय रही अजब बहारी रे झूले कृष्णा मुरारी। शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उद्धव जी ने इस अलौकिक दृश्य को देखा, भगवान के कर का स्पर्श पाते ही तो मन ही मन सोच रहे हैं आसा महो चरर रेणु जुसा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां। मेरे लिए तो संसार में सबसे श्रेष्ठ बात यही होगी कि मैं वृंदावन की कोई लता या औषधि बन जाऊं। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपियां उधर से निकले तो उनकी चरणरज का मुझे स्पर्श हो, चरणरज मिलती रहे। रसखान जी ने भी लिखा है मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जौ खग हो तो बसो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अगर पक्षी बनना पड़े तो उस वृक्ष का पक्षी बनो जिसपे गोविंद कदम वृक्ष पर बैठ करके अपनी बांसुरी को बजाया करते थे। पत्थर बनो तो उस गिरिराज का जिसे भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया। गाय बनो तो बाबानंद की गायों के बीच में मेरा जन्म हो, जब द्वारिकाधीश उधर से भगवान श्री कृष्ण निकले तो मुझे उनका दर्शन हो। ऐसे ही उद्धव जी के मन की कल्पना, उद्धव जी गोपियों के पास से लौट करके भगवान श्री कृष्ण के पास आए।
इसके बाद जो कुब्जा से भगवान ने वादा किया था तो एक रात्रि के लिए भगवान कुब्जा के यहाँ गए। वहां से जब वापस लौट करके आए तब एक दिन की घटना, भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का उद्धार किया तो कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति। ये दोनों मगध देश के राजा जरासंध की बेटी हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया तो दोनों वैधव्य को धारण करके अपने पिता मगध देश के राजा जरासंध के पास पहुंचे। और जैसे ही जरासंध ने धवल वस्त्र में अपनी दोनों बेटियों को देखा तो बोल पड़ा, बेटी ये क्या हुआ, मेरे बलवान दामाद को क्या हुआ, कृष्ण ने मारा, ये धवल वस्त्र पहन करके सामने खड़ी हो, कारण क्या है? तो दोनों ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, बस दो छोटे छोटे बच्चे गोकुल नगरी से आए और आपके बलवान दामाद को मार दिया। तो जरासंध को विश्वास नहीं हुआ। जरासंध ने कहा, मेरा इतना बलवान दामाद जो कुबलयापीठ हाथी को पकड़ करके जमीन में एकदम बिल्कुल उसके चारों पैर को धसा दिया था, और उस बलवान दामाद को मेरे छोटे छोटे बच्चों ने मार दिया। तो इतना ही नहीं पिताजी, उन दोनों ने मिलकर के उस कुबलिया पीड़ को भी मार दिया जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। इस बात को जब सुना तो कंस मारे क्रोध के आग बबूला हुआ और 23 जरासंध आग बबूला हुआ, 23 अक्षौणी सेना इकट्ठा किया, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सेना और 65,610 घुड़सवार, ये मिलाकर के एक अक्षौणी सेना और ऐसी 23 अक्षौणी सेना का समावेश किया और चारों तरफ से आकर के मथुरा नगरी को घेर लिया। अब मथुरा का दरवाजा बंद हो गया। 7 दिन तक मथुरा का दरवाजा बंद रहा। 7वें दिन मामा सल्ल के कहने पर जरासंध ने एक पत्र लिखा और धनुष के ऊपर उस पत्र को फंसा करके बाण के सहारे फेंक दिया। और जब वह पत्र मथुरा नगरी में गिरा तो कुछ लोग पत्र पाए, दौड़ करके उग्रसेन जी के पास लेकर के गए। उग्रसेन जी ने जब उस पत्र को पढ़वाया तो जरासंध ने लिखा है, महाराज उग्रसेन, हमारा आपसे कोई शत्रुता नहीं, मारी आपसे कोई वैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं, लेकिन जिन दोनों बच्चों ने हमारे बलवान दामाद को मारा है उन्हीं को मथुरा नगरी से बाहर कर दो, आप तो हमारे संबंधी हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, और अगर उन दोनों बालकों को बाहर नहीं किया तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। अब आपस में चर्चा होने लगी, भाई जरासंध का पत्र आया है तो सामना कैसे हो, क्या किया जाए। तो कुछ डरपोक प्रवृत्ति के लोग थे, उन लोगों ने कहा, भाई देखो ऐसी नीति कहती है कि अगर एक व्यक्ति के छोड़ने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस एक व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए, और एक परिवार को छोड़ने से पूरे गांव की सुरक्षा है तो उस एक परिवार का प्रत्याग कर देना चाहिए, और एक गांव को छोड़ने से अगर पूरे राज्य की सुरक्षा हो रही हो तो उस एक गांव का प्रत्याग कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य हम अपने भगवान श्री कृष्ण को जरासंध के पास भेज दें। तब तक उन लोगों को अवसर मिला, उन लोगों ने कहा कि अगर ये आपके भगवान हैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए, बोले भाई ठीक कहते हैं, अगर आप लोग मुझे भगवान मानते हैं तो मैं अपनी रक्षा स्वयं करूं, यही नियम होता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण आकर के सामने खड़े हुए, ऐसे आकाश मंडल की तरफ दृष्टि किया। भगवान जब आकाश की तरफ देखे तो एवं ध्यायत गोविंदो आकाशात सूर्य वर्चसो रथा उपस्थितो सद्या सा सूतो सा प्रक्षितो, आकाश मंडल से दो दिव्य रथ आकर के सामने खड़ा हुआ, उपस्थित हुआ, जिसमें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, उसमें घोड़े लगे हुए हैं। दोनों भाई अपने रथ रथ पर बैठे, और जब दोनों भाई अपने रथ पर विराजमान हुए, जैसे ही मथुरा का दरवाजा खुला और भगवान का रथ आगे बढ़ा, जरासंध के सामने भगवान अपना रथ ले जाकर के जब खड़ा किया तो जरासंध ने देखा तो पूछा, क्या मथुरा नगरी में तुम्हारा ही नाम कृष्ण है? भगवान ने कहा, लोग तो कहते मुझे ही कृष्ण है, तो तुम बड़े अधम हो, अपने मामा के हत्यारे हो, तवाह माग्धो भिक्षे हे कृष्ण पुरुषाधमा, अपनी मामा के हत्यारे हो, बड़े अधम हो, इसलिए तुमसे लड़ने में लज्जा आती है।
और जब बलराम जी की तरफ जरासंध ने देखा तो बोला तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्य धैर्य उद्धवा, हाँ बलराम की अगर इच्छा हो तो धैर्य धारण करके मुझसे युद्ध कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध जी से कहा ना वे सूरा विकंतंते दर्शयन्ते पौरुषम, जो बलवान होते हैं वीर होते हैं वीरता का बखान नहीं करते बल्कि प्रदर्शन करते हैं। और लक्ष्मण जी ने भी कहा है कि सूर समर करनी करें कहीं न जनावें आन, और विद्यमान पर रण पायर पो कायर करई बखान, विद्यमान रण पायर पो कायर करई बखान, जो कायर होते हैं अगर शत्रु सामने है तो वीरता का बखान करते, जो वीर होते हैं युद्ध करते हैं प्रदर्शन करते हैं। आज इस बात को जब सुना तो जरासंध ने कहा आक्रमण करो, तो बलराम जी जरासंध से भिड़ गए और भगवान श्री कृष्ण उसकी सेना, भगवान श्री कृष्ण ने लीला ही लीला में जरासंध की सारी सेना को समाप्त किया। इसके दो चार मित्रगण मामा सल्ले आदि जो विश्वस्त हैं ये सब जरासंध को युद्ध स्थल पर छोड़ करके भाग गए, अकेला जरासंध बचा। बलराम जी ने उसे भी विरथ कर दिया, रथ से हीन हुआ और जब धूल धूसरी जमीन पर गिर पड़ा तो बलराम जी अपने गदा के प्रहार से जरासंध को मारने ही वाले थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया छोड़ दो, क्योंकि इनकी मृत्यु ना आपके हाथ है ना मेरे हाथ, इसलिए छोड़ दो इनको जाने दो। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के कहने से जरासंध को छोड़ा, जरासंध वापट लज्जित होकर के अपने मगध देश गया। और फिर थोड़ी दिन के बाद तैयारी की और 23 अक्षौणी सेना लेकर के फिर आक्रमण किया, फिर हार करके वापस लौट गया। इस प्रकार से एक दो बार नहीं बल्कि एवं सप्त दस कृत्वा 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार हार करके चला गया। जब 18वीं बार लड़ने का समय आया तब जरासंध अपने देश के बड़े बड़े विद्वत जनों को बुलाया, उनसे बोला एक ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान करो कि अब की बार हमें विजयश्री मिल जाए, और अगर अब की बार भी जीत नहीं हुई तो आप लोगों को मृत्यु दंड दूंगा। तो पंडित जी लोग माला लेके बैठती है जब हे भगवान अब की हार जा, हे भगवान हार जा, मंत्र सब भूलिए बस हे भगवान अब की हार जा। और भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन माह मनुज मोहि अति भाए, तीन माह दुज दुज महाश्रुति धारी। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं और ब्राह्मणों पर जब संकट देखा तब ये बलराम जी के पास गए। और उधर जब 18वीं बार ऐसी व्यवस्था करके 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध मगध देश से मथुरा की तरफ चला तब नारद जी अपनी बीड़ा को उठाए और सीधा पहुंच गए अरब देश। वहां जरासंध का एक परम मित्र है जिसका नाम है कालीवरी। अष्टादश संग्रामे आगमनी तदंतरा नारदा प्रेषितो वीरा यौनः प्रत्यत दृश्यता। बाबा नारद कालीवन के पास गए और पहुंचते ही बोल पड़े महाराज की जय हो, बताइए नारद जी कैसे आए। तो नारद जी ने कहा कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर मित्र मित्र के काम ना आए तो मित्र कैसा। कालीवन ने कहा किस मित्र की चर्चा करते हो, तो नारद जी सारी बात बताए। मगध देश का राजा जरासंध 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, हार करके चलाया, 18वीं बार फिर तैयारी किया है। इस बात को जब सुना तो कालीवन अरब देश से 3 करोड़ मिलक्षों की सेना को लेकर के अपने मित्र जरासंध की सहायता करने के लिए चला, इधर से कालीवन और इधर से जरासंध। और जब दोनों चले तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से बोले भैया अब की बार दो दो वीर आ रहे हैं, जिनकी मृत्यु ना आपके हाथ है ना मेरे हाथ, तो अब की बार क्यों ना हम सब मथुरा छोड़ करके भाग चलें।
तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुम कायर कब से हो गए? ये मथुरा के वासी जो अपना प्राणधन हमें मानते हैं, हम मथुरा को छोड़ करके भाग जाए, उन्हें काल के मुंह में ढकेल करके? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया उनकी व्यवस्था पहले कर दूंगा। तो अगर उनकी व्यवस्था पहले करते हो तो जो कहोगे सो करने को तैयार हूं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी को बुला करके प्रभास क्षेत्र सागर के पास 12 योजन लंबी 12 योजन चौड़ी ऐसी श्रेष्ठ एक नगरी जिसका नाम द्वारिका है, द्वारिका का निर्माण करवाए और रात्रि में ही योग माया का आश्रय लेकर के समस्त मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में भेज दिया और मथुरा नगरी में दोनों भाई अकेले बचे। इधर सुबह सबसे पहले काले बनाया और जब काले बनाया तो मथुरा का जब दरवाजा खुला और भगवान जब उसमें से बाहर निकल करके आए तो ऐसे लग रहा है जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हुआ हो, इतना दिव्य तेज भगवान का। और जब भगवान के उस स्वरूप को देखा तो कालेवन देखता रह गया। चलते समय नारद जी से पूछा था कि कैसे पहचानूंगा, तो नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि दिन के उजाले में कोई टार्च जलावे और उससे पूछो भैया ये टार्च जला करके क्या देख रहे हो। अब वो कहे कि मैं टार्च जला करके सूर्य भगवान को देख रहा हूं। तो कहीं टार्च की रोशनी में सूर्य को देखा जाता है? अरे जैसे जाओगे इतना अद्भुत स्वरूप है, देखते ही पहचान जाओगे। और जब भगवान के उस अलौकिक स्वरूप को देखा तो देखता ही रह गया। पूछा, क्या मथुरा नगरी में आप ही कृष्ण हो? भगवान ने कहा, नाम तो मेरा ही कृष्ण है। तो देखने में बड़े सुंदर हो, इच्छा नहीं होती कि मारूं, लेकिन कृत्य आपका ऐसा है कि मारना पड़ेगा। या तो इस मथुरा नगरी को मेरे मित्र जरासंध के निमित्त छोड़ दो। भगवान ने उससे भी कहा कि वीर वीरता का बखान नहीं करते बल्कि प्रदर्शन करते हैं। तब तक कालेवन अपने रथ से कूदा और जब कालेवन कूदा तो भगवान भी कूद पड़े और इशारे में बलराम जी को बताया, भैया मेरे पीछे मत आना, इसकी सेना को तब तक संभाल करके रखना जब तक मैं लौट करके ना आऊं, आगे आगे भगवान श्री कृष्ण, पीछे पीछे कालेवन। एक हाथ की दूरी है, हस्त प्राप्त इव आत्मानम हरण स पदे पदे। जैसे एक हिरण के पीछे दूसरा हिरण चलता है, ऐसे ही अब पकड़ूं तब पकड़ूं, अब पकड़ूं तब पकड़ूं, ये भाव लेकर के कालेवन भगवान के पीछे पीछे भगवान भागते गए। गए गिरी परवर्षण के पास एक पवित्र गुफा, भगवान उसी में प्रवेश कर गए। देखा एक बाबा जी लेटे हैं, उन्हीं के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया, उस समय अंतर ध्यान हुए। और कालेवन जब भगवान को खोजते खोजते उस गुफा में पहुंचा तो देखा, मन ही मन सोच रहा है बड़ा नाटकी बालक है, वहां तो वीरता की बड़ी लंबी लंबी डींग हांग रहा था और जो सामना हुआ वीर से तो भाग करके यहाँ सोने का नाटक करता है, ऐसा कह करके। इति मत्वा अच्युतम मूढ़ा तम पदा समताड़ियत। अच्युत भगवान श्री कृष्ण को समझ करके उसने बाबा जी के ऊपर पदा मतलब पैर का प्रहार किया और जैसे ही चरण का प्रहार करता है सा उत्थाय चिरम सित्वा। बाबा बहुत दिन से सोए हुए थे, उठ करके बैठे और सनई ही उन्मिल्य लोचने धीरे धीरे अपने नेत्र को खोलने लगे और जैसे ही उनकी दृष्टि कालेवन के ऊपर पड़ी तो देहे जेना अग्निना दग्धो भस्म सात भवत क्षणात्। एक क्षण का विलंब नहीं हुआ, तुरंत जल करके भस्म हो गया। अब परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, को नाम सापमान ब्रह्मन कस्य वीर किम एवचा। किसके पुत्र थे, कौन थे, उस गुफा में क्यों गए, इनके नेत्रों में ऐसी ज्योति कहां से आई कि देखते ही कालेवन जल करके भस्म हुआ। तब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने उन बाबा जी का परिचय दिया। सा इच्छा कुकुले जातो मांधा त्रितनियो महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्राह्मण्यास्तत संग्रह। यह इक्ष्वाक वंश में जन्म लिए महाराज मांधाता जी के मझले पुत्र नाम है मुचकुंद। देवासुर संग्राम में गए थे लड़ने के लिए, जब देवासुर संग्राम समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने कहा, भाई जो भी हमारी मदद के लिए आया है जिसकी जो इच्छा हो मांगो। तो मुचकुंद जी ने कहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो देवराज इंद्र हंस करके बोले कि देवताओं का 10,000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और आपके परिवार में अब आपको पहचानने वाला कोई नहीं बचा होगा, कहां जाओगे? तो बोले 10,000 वर्ष हो गया लड़ते लड़ते नींद लगी है, कोई सुरक्षित स्थान बता दो, वहीं जाकर के सो जाऊं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि गिर प्रवर्षण पर्वत की अमुक गुफा में जाकर के सो जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं जो आपको जगाएगा जल करके भस्म हो जाएगा। और जब वहां जाकर के ये सोए और आज कालेवन जैसे जलाता है, तुरंत उनकी दृष्टि पड़ी, बस जल करके भस्म हो गया। अब मुचकुंद जी महाराज उठ करके देख रहे हैं
कि जब मैं इस गुफा में आया था तो चारों तरफ अंधेरा था, अब ये गुफा दिव्य अलौकिक तेज से चमक रही है, तब तक भगवान श्री कृष्ण आकर के सामने खड़े हुए। अब भगवान को जब देखा तो मुचकुंद जी पूछते हैं, को भवानी ही संप्राप्तो विपने गिरि गहवरे पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम विचरस्व उर्कंटके। नाथ आपका परिचय क्या है? पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम, आपके चरण पद्म कमल के समान कोमल हैं और ये कंकरीला पथरीला मार्ग आप भटक रहे हो, बताइए आपका परिचय क्या है? वैसे पूछते हैं जैसे ब्राह्मण का रूप बनाकर के श्री हनुमान जी महाराज राम जी से पूछते हैं कि कठिन भूमि कोमल पदुकामी, कठिन भूमि कोमल पदुकामी, कठिन भूमि मल पदुगामी, कठिन भूमि को मल पदुगामी, पवन हेतु विचरो बनु स्वामी, पवन हेतु विचरो बनु स्वामी, पवन भक्तवत्सल भगवान की जय। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, यदुवंश में वसुदेव जी के घर मेरा अवतार हो चुका है, वसुदेव जी का पुत्र हूं इसलिए लोग मुझे वासुदेव कृष्ण के नाम से जानते हैं। भगवान से उनके चरणों की अनपायनी भक्ति को लेकर के महाराज मुचकुंद बद्र का आश्रम गए, अंत में भगवान की आराधना करके ईश्वर को प्राप्त किया। भगवान वहां से वापस लौट करके आए, दोनों भाई मिलकर के कालेवन की सेना को समाप्त किया, सेना का धन छीन करके बैलगाड़ी पर रख करके जा ही रहे थे तब तक पीछे से जरासंध ने आक्रमण किया। और भगवान बलराम जी से बोले, भैया अब इनसे भी हारना पड़ेगा आज, तो जो कालेवन की सेना का छीना हुआ धन है दोनों भाई वहीं छोड़ दिया बैलगाड़ी के सहित, और इनके रथ के आगे कूदे और बड़े जोर से भगे दोनों भाई। यही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हुआ, प्रेम सुबलो रणछोड़ भगवान की जय। तुरंत रणछोड़ भगवान दोनों भाई भगे वहां से और उसी पर्वत के ऊपर फिर गए। तो जरासंध पर्वत पर पहले खूब खोजा और जब दोनों भाइयों को नहीं पाया तो किनारे किनारे खरपतवार रख करके आग लगा दी। अब पर्वत जब धू धू करके जलने लगा तो मन में संतोष कर लिया, किसी में जल करके समाप्त हो गए होंगे, लेकिन दोनों भाई पर्वत की चोटी पर गए और वहां से ऐसी छलांग लगाते हैं कि परवर्षण पर्वत से 40 कोस की दूरी पर जाकर के कूदे और उसके बाद वहीं से सीधा अपनी द्वारिकापुरी को भगवान पधार गए, प्रेम सुवृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जब द्वारिकापुरी में पहुंचे तो सबसे पहले इन्होंने अपने बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ किया। भगवान का जब बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ जब संपन्न हो गया तब परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव मैंने ऐसे सुना है कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरार नाम राक्षसेन विधारिण उप एमा इति श्रुतम। मैंने ऐसे लोगों के द्वारा सुना है कि भगवान श्री कृष्ण विदर्भ नंदिनी जो भीष्मक कुमारी हैं रुक्मिणी जी उनका राक्षस विधि से हरण करके द्वारिका में ला करके विवाह किए, ऐसा क्यों? इस बात को जब सुना तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, राजा सीत भीष्म को नामा विदर्भा धीरपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नैका च बरानना। ही महाराज विदर्भ देश के अधिपति थे महाराज भीष्म, जिनके पांच पुत्र थे रुक्म अग्रज रुक्मरथ रुक्मकेश रुक्माली और रुक्मबाहु, और कन्नैका च बरानना एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जब छोटी सी थी तो एक दिन एक बाबा जी आए, बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे और उस भजन को रुक्मिणी जी ने जैसे सुना जिसमें भगवान के रूप का वर्णन था, तो रुक्मिणी ने ज्यों ही सुना मनहारी वो गीत त्यों ही मन में बस गई मनमोहन की प्रीत। मन में संकल्प किया अवस्था छोटी है, जब विवाह के योग्य होंगी तो इन्हीं द्वारकाधीश के साथ विवाह करूंगी। एक दिन महाराज भीष्मक ने देखा कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है तो अपने पांचों पुत्रों को बुलाए, अपनी पत्नी शुद्धमती को बुलाया और सबसे सलाह करते हैं कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है, अनुकूल घर भर मिले तो विवाह कर दिया जाए। तो पहले बड़ा बेटा बोला, रुक्म अग्रज
पिताजी आपकी दृष्टि में कोई वर है? तो भीष्मक जी ने भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का नाम लिया तो बिगड़ गया उस ग्वाले के साथ बहन का विवाह, जिसके माता पिता का पता नहीं, लोगों के घर चुरा चुरा करके माखन खाया था, उसके साथ बहन का विवाह कदापि संभव नहीं। फिर तुम्हारी दृष्टि में कोई वर है? तो बताया चेरी देश के नरेश महाराज, उन्हीं का बेटा शिशुपाल, शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा जो चेदी देश के राजा दुमघोष का पुत्र है। रुक्मा अग्रज आनन फानन में चेदी देश गया और जाकर के महाराज दुमघोष को बताया कि परसों मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके बेटे के साथ करता हूं, परसों बारात लेकर के मेरे घर चले आना। क्योंकि मन में भाव आ गया कि पिताजी के मन में द्वारिकाधीश बैठे हैं और कहीं जाकर के रिश्ता तय ना कर दें, इसलिए आनन फानन में बोला कि परसों बारात लेकर के चले आना। अब उधर शिशुपाल के विवाह की तैयारी होने लगी और इधर विदर्भ देश में भी मैया रुक्मणी की विवाह की सारी तैयारी प्रारंभ हुई। और इस बात का पता जब रुक्मणी जी को लगा तब ये अपने भाभी के पास गई, जो बड़ी भाभी है। बोली भाभी, मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ, और भैया जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब अग्रज की पत्नी ने कहा, बहना एक काम करो, एक पत्र लिखकर के द्वारिकाधीश के पास भेज दो। रुक्मणी जी एक पत्र लिखती हैं, पत्र लेकर के अपने पुरोहित के पास गई और चरणों पर रख करके पत्र बोली, दुजराज आपकी बेटी हूं, मेरा सतीत्व रख लीजिएगा, ईश्वर ने तनवर दिया हमें, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा, अगर आपकी कृपा हुई तो कृष्ण पति रूप में मिल सकते हैं। पंडित जी पत्र लिए और लेकर के द्वारिकापुरी चले। जब वहां पर पहुंचे और जब भगवान श्री कृष्ण ने पंडित जी को आता हुआ देखा तो स्वागत सत्कार किया, आसन पर बिठाया, फिर पूछते हैं, बताइए दुजदेव आप कहां से आए हैं? तब पंडित जी ने बताया कि हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, भीष्मक निप दरबार से ना, हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, भीष्मक निप दरबार से ना, हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, भीष्मक निप दरबार से ना, हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, भीष्मक निप दरबार से ना, हमरा घरवा विदर्भ नगरिया भगवान कैली भूप दुआरिया, हमरा घरवा विदर्भ नगरिया भगवान दुआरिया, हमरा घरवा विदर्भ नगरिया भगवान ऐली भूप दुआरिया, हमरा घरवा विदर्भ नगरिया भगवान ऐले दुआरिया, मनमारीज गईले महिमा अपरंपार से, भीष्मक निप दरबार से ना, मनवारेज गईले महिमा अपरंपार से, भीष्मक निप दरबार से ना, हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, भीष्मक निप दरबार से ना, हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, भीष्मक निप दरबार से ना, पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा, पाते लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजे हाथी घोड़ा, पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा, पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजे हाथी घोड़ा, बिनती करत बानी यदुवंशी सरकार से, भीष्मक निप दरबार से ना, बिनती करत बानी यदुवंशी सरकार से, भीष्मक
अत्यंत दरबार प्रेम सुवल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी पत्र भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दिया। भगवान ने कहा पत्र वापस करके, पंडित जी पत्र पढ़ो। पंडित जी ने कहा नाथ ये पत्र आपके लिए है, मैं कैसे पढ़ूं? तो भगवान बोल पड़े कि सारे संसार से भेद छुपाऊं चलेगा, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी ब्राह्मण से कोई भेद नहीं छुपाया, इसलिए पत्र पढ़ो। पंडित जी पत्र खोल करके पढ़ने लगे तो रुक्मणी जी ने रो करके पत्र में 7 श्लोक लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रोणतामते निर्विश्य कर्ण विबरई हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशितम अखिलार्थ लाभम त्वई अच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। हे द्वारिकाधीश, अगर कोई व्यक्ति आपके गुणों को सुनता है, कहां से? कानों के द्वारा। अगर आपके गुणों को कानों के द्वारा सुना और कानों के माध्यम से आप उसके हृदय में प्रवेश कर गए तो फिर वहां से निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। और मैं भी आपके सुंदर स्वरूप को किसी के द्वारा सुनी हूं और आपकी मोहिनी झांकी मेरे हृदय में बैठ गई है, वहां से निकालना बड़ा कठिन है। और दूसरी तरफ आप पुरुष सिंह हैं, जैसे किसी सिंह के भाग को कोई सियार लेकर के चला जाए, उसी प्रकार से आप पुरुष सिंह का भाग मुझ रुक्मणी को लेने के लिए परसों शिशुपाल रूपी सियार आ रहा है। अगर आप नहीं आए तो शिशुपाल रूपी सियार मुझ रुक्मणी को, जो आपका भाग है, लेकर के चला जाएगा। हमारे विदर्भ देश का नियम है कि कन्या विवाह से पूर्व गिरिजा मंदिर पूजा के लिए जाती, मैं भी जाऊंगी। आप उसी स्थान पर पहुंच करके शत्रु पक्ष को दल करके मल करके राक्षस विदिशी मेरा हरण करके द्वारिकापुरी लेकर के चलें और मेरे साथ अपना विवाह संपन्न करावें। रुक्मिणी ने रोकर के पत्र में लिखा कि कर जोरी लिखूं बिनती यतनी, कर जोरी लिखूं बिनती यतनी, निज दासी करो माना मोहना प्यारे, सुनि के तव रूप स्वरूपना को, मन मोहि रहो यदुनाथ हमारो, यहाँ नहीं आपकी रीति प्रभु, यहाँ सिंह के भाग को देत सियारो, यदुनाथ कृपाल कृपा कई के, मोहि आन मिलो गिरी जाके दुआरो। रुक्मिणी जी के पत्र को जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो बोले हे पंडित जी, जैसे रुक्मिणी के मन में मेरी झांकी बैठी है, वैसे उनकी झांकी मेरे हृदय में बैठी है। बस इसी पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था, अब पत्र आ गया, इसलिए अब आप लोग आप चिंता न करें, बस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने दारुक नामक सारथी को बुलाए। दारुक नाम का सारथी एक दिव्य रथ लेकर के आया जिसमें 4 घोड़े लगे हैं, सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाह। उसी रथ पर भगवान श्री कृष्ण पहले पंडित जी को बिठाए, पीछे से स्वयं बैठे, आदेश दिया, रथ लेकर के चला। दूल्हे की भांति सज करके भगवान श्री कृष्ण चले। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी से निकल गए तब पीछे से बलराम जी को पता चला कहीं से कि मेरा भाई विदर्भ देश गया है, वहां रुक्मिणी जी का स्वयंवर है, उसमें सम्मिलित होने के लिए। तब पीछे से बलराम जी एक विशाल काय सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए चले। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और पीछे पीछे बलराम जी पूरी सेना लेकर के चले। और जब भगवान श्री कृष्ण का रथ विदर्भ देश पहुंचा, वहां गिरिजा मंदिर के पास, तो पंडित जी ने कहा ये वही स्थान है जहां के लिए रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा भगवान का रथ वहीं खड़ा हुआ। और इधर पंडित जी रस से उतर करके रुक्मिणी जी के पास चले। और वहां रुक्मिणी जी बैठी हैं, मन ही मन सोच रही हैं, दुर्भ गायान में धाता नान कुलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। आज मुझसे भोले बाबा नाराज हैं, मैया अंबिका नाराज हैं, पंडित जी गए थे अभी तक लौट करके नहीं आए, तब तक रुक्मिणी जी की माँ मैया शुद्धमती आई और बोल पड़ी बेटी ये मेरे घर का नियम है,
कन्या विवाह से पूर्व गिरिजा मंदिर जाती है तो आपको भी जाना होगा, तो बेटी जाओ वहां पूजा करने के लिए। तो मैया रुक्मिणी ने कहा, मां मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए मैं शिशुपाल के साथ रिश्ता नहीं करूंगी। बहुत समझाती हैं मैया रुक्मिणी, जब नहीं मानी तो माता और बेटी आपस में बैठ करके बात कर रही हैं। माई योधिया मिली अकमती किन्हा बेटी मानो ना पाते हमारे। माई योधिया मिली अकमती वत्सल भगवान की जय। आपस में चर्चा करती हैं, बहुत समझाएं, जब मैया रुक्मिणी नहीं मानी तो शुद्धमती हार करके चले गए। तब तक मैया रुक्मिणी को बड़ा सुंदर शकुन हुआ। एवं चिंतयति बाला गोविंद हृत मानसा, भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति हृदय में धारण करके उन्हीं का चिंतन कर रहे थे। तब तक बाम उरुर्भुजो नेत्रम अस्फुरन प्रियभाषिणा, मैया रुक्मिणी का बायां अंग फड़कने लगा, बाई भुजा फड़कने लगी, बायां बक्षस्थल फड़कने लगा, बायां नेत्र फड़कने लगा। अप्रिय भाषणा, कोई मीठी सी बाड़ी में आकर के कहा, बेटी रुक्मिणी ने घूम करके देखा तो वही पंडित जी दौड़ करके पैर पकड़ते हैं। क्या हुआ गुरु जी, द्वारकाधीश आएंगे कि नहीं? तो पंडित जी ने कहा, आएंगे नहीं बल्कि आ गए हैं। कहाँ हैं? वो गिरिजा मंदिर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात को जब मैया रुक्मिणी ने सुना, तुरंत गले का हार उठा करके पंडित जी को भेंट किया और दौड़ करके अपनी मैया के पास गए। माँ आप कहती थी गिरिजा पूजन के लिए, अब जाऊंगी, एक काम करो ना मैया, कुछ तैयारी करवा दो। कैसी तैयारी? तो बोलती हैं, देहू न मोरी माई बसे पैडे लरिया पुलवा चूनना हमारा, प्रेम सुवृंदावन बिहारी लाल की। मैया रुक्मिणी अपनी मैया से सहयोग लेकर के पुष्प वाटिका गई,
बड़ा सुंदर सुंदर पुष्प आदि को चुना, फूल हार माला तैयार करते हैं, पूजन की विधिवत सामग्री लेकर के गिरजा मंदिर के लिए तैयार हो रही। उधर जैसे ही महाराज भीष्मक को पता चला कि शिशुपाल बारात लेकर के जन्माष्टमी में पहुंच चुका है, तो आनन फानन में रिश्ता तय हुआ था, इसलिए तिलक की सारी सामग्री रथ पर रख करके और गिरजा मंदिर के पास से निकल करके ये जन्माष्टमी की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही गिरिजा मंदिर पर पहुंचे तो भीष्मक जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का रथ खड़ा है द्वारिकाधीश का। तुरंत रथ से नीचे आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। द्वारकाधीश, यहाँ क्या करते हो? चलो दरवाजे पर। अब आगे आगे भीष्मक जी का रथ, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण का रथ दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ। और जब दरवाजे पर आया तो मधुपर्क उपानीय बासांश बिरजांशिशा, पहले दही गुड़ का शकुन गया, इसके बाद बासांश बिरजांश वस्त्र आभूषण, मतलब तिलक का सामान है शिशुपाल का और भेंट हो रहा है गोपाल को प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यवस्था होने लगी और जैसे ही विदर्भपुर के लोगों ने सुना कि कृष्ण आए, कृष्णम आगत्य आकर्ण विदर्भपुर वासिना, विदर्भपुर के लोगों ने जब सुना कि कृष्ण आए कृष्ण आए तो सब चारों तरफ से आकर के खड़े हो गए। आगत्य अनेत्र अंजल भी आकर के अपने नेत्रों का दोना बनाया। अब पपुस तन मुख पंकजम, भगवान की जो मुख माधुरी है उसी का नेत्रों के द्वारा मानो पी रहे हो, ऐसे खड़े सब देख रहे हैं। तब तक जब भगवान के वर के रूप में दरवाजे पर पूजा होने लगे और भीष्मक जी ने मानसिक संकल्प करके भगवान के हाथ में दे दिया, तब एक बूढ़ी माई आई दौड़ करके, बोली भाई दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। तब तक एक दूसरी मैया दौड़ करके, नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं, मैंने दूल्हे को वहां जनवासी में बैठे हुए देखा। अच्छा, तो दूल्हे को देखा तूने, तो ये कौन है? बोलिए कोई और होगा। अच्छा एक बात बताओ कि उस दूल्हे को भी आपने देखा और इसे भी देला, जिसके दरवाजे पर पूजा हो रही है, तो दोनों में रुक्मणी के योग्य कौन है? दोनों में रुक्मणी के योग्य कौन है? ऐसे चर्चा होने लगती है जब दरवाजे पर बारात आती है, दूल्हा बेटी के योग्य है कि नहीं, वर कन्या के योग्य है कि नहीं, चर्चा होने लगती है रंग रूप के द्वारा। अब जिस मैया ने दोनों जन को देखा, शिशुपाल को देखा कृष्ण को भी देखा, उसने कहा असयु भार्याम भवितिम रुक्मण नारद नापरा, रुक्मणी तो इसी की भार्या होने के योग्य है, अन्य दूसरे किसी की नहीं। इस बात को जब उन नारियों ने सुना तो बड़े जोर से चर्चा हुई। आज विदर्भ नगरिया निहाल सखिया, आज विदर्भ नगरिया निहाल सखिया, दुइनो दूल्हा में छटता कमाल 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 सखिया, हे कमाल सखिया तो कमाल सखिया, हे कमाल सखिया हे कमाल सखिया, दुइनो दूल्हा में छटता कमाल सखिया, दुइनो दूल्हा में छटता कमाल सखिया, माथे सिर मोर सोहे कुंदन सोहे आनावा, माथे सिर मोर सोहे कुंदन सोहे कनावा, तारे तारे का जरा रे जुलमी नया नावा, तारे तारे का जरा रे जुलमी नया नावा, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, हे हो लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, दुइनो दूल्हा में छटता कमाल सखिया, दुइनो दूल्हा में छटता कमाल सखिया, हे कमाल सखिया तो कमाल सखिया, हे कमाल सखिया हे कमाल सखिया, दुइनो दूल्हा में छटता कमाल सखिया, दुइनो दूल्हा
वृंदावन बिहारी लाल के जय भगवान की बर के रूप में दरवाजे पर पूजा हो रही। इस बात को जब कुछ बारातियों ने देखा, जैसे दरवाजे पर बारात आती है तो कुछ बाराती ऐसे होते हैं कि द्वार पूजा के पहले ही दरवाजे पर राह चाह लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो दौड़ करके गए, शिषपाल को सूचना दी, महाराज आप यहाँ दूल्हा बन करके बैठे हो, वहां कृष्ण की दरवाजे पर वर के रूप में पूजा हो रही है। इस बात को जब सुना तो शिषपाल के बगल जरासंध बैठा था, मन ही मन सोच रहा है कन्हैया का भूत कहां से आ गया, क्योंकि मैंने परवर्षण पर्वत पर जला दिया था, वो अगर आ गया तो निश्चित है धोखा होगा। अब धोखा कहां से हो सकता है, तो शिशुपाल का गुप्तचर विभाग बड़ा तगड़ा था, पता लग गया कि विदर्भ देश का नियम है कि कन्या विवाह से पूर्व गिरिजा मंदिर पूजन के लिए जाती है, धोखा वहीं से हो सकता है। तो जरासंध ने आदेश दिया कि रुक्मिणी जी के महल से लेकर के गिरिजा मंदिर तक एक तरफ मेरी सेना खड़ी कर दो, एक तरफ अपनी। अब रुक्मिणी जी के महल से गिरिजा मंदिर तरफ एक तरफ शिशुपाल की सेना खड़ी हुई, दूसरी तरफ जरासंध की। आदेश है परिंदा पर न मारने पाए। अब दोनों निश्चित जनवासी में बैठे हैं, इधर रुक्मिणी जी गिरिजा मंदिर पहुंचे। मैया गिरिजी की बड़ी तन्मयता के साथ पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद जब ये गिरिजा मंदिर से बाहर आई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दारुक नामक सारथी को आदेश दिया, रथ आगे बढ़ाओ। अब दारुक नाम का सारथी जब रथ लेकर के आगे बढ़ा, तो दोनों सेनाओं के जितने भी सैनिक हैं, बड़े बड़े महारथी सेनापति आदि सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। तब तक भगवान श्री कृष्ण केवल हंस दिए, धीरे से मुस्कुरा दिए उनको देख करके। अब भगवान की मुस्कान ही संसार की माया है, भगवान की जो मुस्कान है ये संसार की माया है। और भगवान जैसे हंसे, हंस करके माया का ऐसा पर्दा डाल दिया कि सैनिक लोग भूल गए हम यहाँ क्यों खड़े हैं, सबका अस्त्र शस्त्र वहीं छूट गया और सब भगवान का बखान करने लगे। देखो देखो कितना सुंदर रथ है, कोई कहता है रथ की बात करते, घोड़े कितने सुंदर हैं, सारथी कितना सुंदर है, सारथी की चर्चा करते, रथी देखो कितना अलौकिक है, कैसे घुघराले बार हैं, कंधे पर पीतांबर हैं, मस्तक पर मोर मुकुट, लगे बखान करने। अब इधर भगवान का बखान हो रहा है, भगवान रथ लेकर के दरवाजे पर पहुंचे, रुक्मिणी जी मंदिर के अहाते में खड़ी हैं, भगवान श्री कृष्ण रथ के नीचे आए, रुक्मिणी जी को गोद में उठाया और रथ पर बिठा लिया। और जब रथ पर बिठाया तब रुक्मिणी जी ने कहा सरकार अब जल्दी चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो रुक्मिणी, सारा संसार मुझे चोर कहता है, कुछ लोग कहते हैं माखन चोर, कुछ लोग चित्त चोर, कुछ लोग दही चोर, हमारे भक्त कहते हैं कि भगवान पाप चोर हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के पाप को चुरा लेते हैं। सारा चोर तो ठीक है, लेकिन संसार नारी चोर कहेगा तो ये कलंक नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए सबको बता दूंगा कि रुक्मिणी को लेकर के चल रहा हूं। मैया रुक्मिणी ने कहा नाथ आप अकेले आए हो खाली हाथ, इतनी विशाल का सेना, अभी मेरे भैया की सेना पीछे पड़ी है, अकेले सबसे सामना कैसे करोगे। बोले वो बात की बात है, पहले बता दूंगा कि रुक्मिणी को लेकर के जा रहा हूं। भगवान शंख उठाए बजाने लगे, और भगवान की जब शंख ध्वनि हुई तो सैनिक लोग बखान करने लगे, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है, देखो देखो कितनी सुंदर शंख बजा रहा है। भगवान शंख बजा करके सारथी को आदेश दिया, जब भगवान का रथ सैनिकों के नेत्र से ओझल हो गया, सैनिकों के नेत्र से जब भगवान का रथ ओझल हो गया, तब माया का पर्दा हटा, तो सैनिक लोग सोच रहे हैं आपस में कि हम यहां क्यों खड़े थे। तो एक ने कहा रुक्मिणी की सुरक्षा में, तो कहीं वही रुक्मिणी तो नहीं थी जिसे वो रथी आया था उठा करके रथ पर बिठा करके लेकर के गया। तब तक एक सैनिक ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, क्या बढ़िया, इसलिए हुआ कि कृष्ण अकेला आया है, हम लोग कृष्ण से नहीं डरते हैं, 17 बार हमसे हम हारे थे और 18वीं बार हम लोगों को विजय मिली, और जब विजय मिली तो हम लोग 18वीं बार जीते हैं, इसलिए डरते नहीं कृष्ण से। तो एक ने कहा अच्छा कृष्ण से नहीं डरते तो डरते किससे हो, तो बोले उसके बड़े भैया बलराम से, कृष्ण अकेला आया इसलिए चिंता की बात नहीं है, आक्रमण करो और कृष्ण को मार करके रुक्मिणी को छीन करके लेके आओ। जैसे सेनापति का आदेश हुआ आक्रमण करो, तब तक पीछे से बड़े जोर से जयकार हुआ दुल्हे सरकार की, जैसे पाप पूजे बैठा हां सब जने, अरे जोर से बोला कम से कम, प्रेम से बोलो दुल्हे सरकार की। अभी लगा
कि आप लोग कुछ फलाहार करके बैठे हो। ये जयकार किसकी थी? पीछे से बलराम भैया की, क्योंकि जब बलराम जी को पता चला कि कन्हैया अकेला गया है तो पीछे से पूरी सेना लेकर के बलराम जी पीछे खड़े थे। और जैसे ही इन्होंने कहा कि दुल्हे सरकार की जय, तो घूम करके लोगों ने देखा पीछे बलराम जी। भगवान भी सिर घुमा करके देखा कि भैया कहां से आ गए, तो इशारा किए बलराम जी रुक्मणी को लेकर के, चलो इनको तो मैं अकेले देख लूंगा। पूरी सेना को साथ लेकर के बलराम जी दोनों सेनाओं से भिड़ गए और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के आगे बढ़े। इस बात का पता जब रुक्मणी के बड़े भाई रुक्म अकरज को लगा तो आगे से विशालकाय सेना लेकर के भगवान के रथ को बीच मार्ग में रोक दिया। बड़ा भीषण संग्राम हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण इधर बलराम जी पूरी सेना को समाप्त करके उधर आगे बढ़े और उधर भगवान श्री कृष्ण रुक्म अग्रज की सेना को समाप्त करके रुक्म अग्रज को पकड़ लिया, बंदी बनाया और बंदी बना करके अपने रथ के सामने लेकर के खड़े हुए और कृपाण निकाल करके जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तब रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके विनती करती, नाथ ये मेरा भाई है और बड़ी भाभी के कहने से ही मैंने पत्र आपके पास लिखा था और कहीं आपने मेरे भाई को मार दिया तभी मुझे मान लीजिए लौट करके फिर भीष्मक विदर्भ देश आना हुआ पिताजी के घर, तो अपनी बड़ी भाभी को मुंह क्या दिखाऊंगी, इसलिए एक काम कीजिए कृपा करहू अब हे जदुराई मत मारो रुक्मी मामा भाई तेरा पाकर लाल। जब यह रुक्मणी ने इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा भाई देखो कृपाण निकली है तो कुछ न कुछ तो करना होगा, तो किए क्या, उसके सिर के केस को पकड़ करके जब काटने लगे तब तक पीछे से बलराम जी आए देखे तो बड़े जोर से बिगड़ गए, रुक नहीं रुक ये क्या करते हो, संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार, ये नाईगिरी का काम कब से सीख लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भैया कहां से टपक पड़े, तो धीरे से अस्त्र नीचे रख करके इशारे में बोले भैया बहू साथ में है, यहां मत बिगड़ो पीछे से बिगड़ लेना। बलराम जी ने कहा प्रेम की डांट है, रुक्मणी को लेकर के चलो मैं रुक्म अग्रज को देख लूंगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के आगे बढ़े तब बलराम जी रुक्म अग्रज को समझाते हैं मेरे भाई की गलती नहीं है, पत्र आपकी बहन ने भेजा था, ये तो पीछे से मुझे पता चला कि मेरा भाई विदर्भ देश गया है रुक्मणी के स्वयंवर में, फिर मैं इस सेना लेकर के आया, इसलिए आपकी बहन ने पत्र लिखा तो गलती मेरे भाई की नहीं, अब तुम वापस लौट करके जाओ। लेकिन रुक्म अग्रज घर से संकल्प लेकर के आया था कि अगर मैं बहन को छुड़ा नहीं पाया तो विदर्भ देश में मुख नहीं दिखाऊंगा, वचन हार गया तो लौट करके घर नहीं गया, जहां युद्ध हुआ था उसी स्थान पर एक नगर बसाया जिसका नाम है भोजकट और वहीं रुक्म अग्रज रहने लगा। फिर बलराम जी पीछे पीछे आगे आगे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को रथ पर बिठा करके द्वारिकापुरी आए और जब भगवान द्वारिकापुरी आते हैं तो बड़े विधि विधान के साथ दरवाजे दरवाजे पर मंडप छाया गया और द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ प्रथम विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती का समय हुआ है, आरती होगी प्रसाद वितरण। आरती के बाद ये जो कुछ भी विवाह की व्यवस्था आप किए होंगे, वहां तुलसी जी का शालिग्राम जी का पाप पूजाएंगे पंडित जी, अभी जो कुछ भी आप ले आए होंगे सब लेकर के आइएगा, आरती होगी प्रसाद वितरण उसके बाद पाव भी पूजा जाएगा। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम चंद्रमा मन सो जाता चक्षु सूर्य आजायत स्त्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखावगनी रुजायत ओमिदगंगभिप्रजनम मे अस्तु दशवीरागं सर्वगणध्वं स्वस्तये आत्मशनि।
प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुला मे करुत्वन्नं पयोरेतु असस्मासु धत्त प्रेम सुबलवृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भुवानी की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला भक्ति को बढ़ाने वाला। 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 हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है तारती पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला। सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप
से है तार तेरी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। शुक्ल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, जाय सुवासन बैठिके करत रहउ सब कार्य कल्याण। कहव दंडवत प्रभु ही सन तुमाही कहवा कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी। पवन सुत हनुमान के जय। श्रीमद भागवत महापुराण के जय। अयोध्या धाम के जय। अवध के नाथ के जय। सरजुम महारानी के जय। गंगा मैया के जय। आदि गंगा मैया गोमती के जय। वृंदावन धाम के जय। राधा बल्लभ लाल के जय। राधा महारानी के जय। ब्रज रज रानी के जय। यमुना मैया के जय। आज के आनंद के जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर।